ज्योति, अरे ज्योति, ज्योति कहाँ है? बाबा जी, हटो हटो, ज्योति, ज्योति, अरे ज्योति कहाँ है? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हैं आप? विजय का टेलीग्राम है, हाँ, शाम के 6 बजे की फ्लाइट से आ रहा है वो, तुम जल्दी से जाओ, उसका बेडरूम साफ करो। हरे कृष्ण, भैया, हमारा बेटा विजय आ रहा है। हाँ, विजय आ रहा है, अरे तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, जल्दी जाओ, जल्दी करो। बाबूजी, आप खुश होने के बजाय इतना घबरा क्यों रहे? आपका बेटा आ रहा है, कोई तूफान तो नहीं आ रहा है? ये तूफान का भी बाप है, 24 घंटे नाक की नोक पर गुस्से का पहाड़ लेकर घूमता है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पहले आपके घर में ये ज्योति नहीं थी, इसीलिए सब उल्टा सीधा चल रहा था। अब आपके घर की जिम्मेदारी मैंने संभाल ली है, आपके बेटे को भी संभाल लूंगी। आप जाइए, जाके आराम कीजिए। आराम? मैं? हाँ। नामुमकिन, इम्पॉसिबल। मैं तो एयरपोर्ट जा रहा हूँ सर, रिसीव करने के लिए। हाँ। अभी अब... इसी वक्त। हाँ बेटी सोना, तुम भी फूलों के हार लेके विजय का स्वागत करने अपने भाइयों के साथ चली जाना। देखने आप लोग कहाँ जा रहे हैं? एयरपोर्ट। किसका स्वागत करने के लिए? एयरपोर्ट का। बाबूजी, फ्लाइट कितने बजे आ रही है? फ्लाइट 6 बजे आ रही है। 6 बजे अभी टाइम क्या हुआ है देखिए, 11 बजे हैं। मतलब फ्लाइट आने में 7 घंटे बाकी हैं। अभी से वहाँ जाकर आप क्या करेंगे? देखिए, आप जाकर आराम कर लें तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे आप लोगों से काम है, प्लीज। लेकिन मैं, जब टाइम होगा मैं आपको खुद खबर कर दूंगी। लेकिन मुझे, आप कुछ नहीं बोलेंगे, जाइए जाकर आराम कीजिए। आंटी, ये रहा तुम्हारा इस महीने का खर्च। क्या हुआ? लगता है इस महीने मदन भैया से और 1000 रुपयों के लिए बात करनी पड़ेगी। क्यों? सोना के कपड़े पुराने हो गए हैं। नहीं माँ, मेरे कपड़े पुराने कहाँ हुए? तू चुप कर, तुझे क्या पता, मुझे नए कपड़े खरीदने हैं। आंटी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, ऐसे छोटी मोटी बातों के लिए बाबूजी को परेशान मत किया कीजिए। सोना के कपड़े मैं खरीद लेती हूँ, ठीक है दीदी? ये रहा तुम्हारा। नहीं दीदी, मुझे इस महीने पैसे नहीं चाहिए। अरे ले लो ना सोना, ले लो ना। अगर तुमको जरूरत ना हो तो किसी और जरूरतमंद को उधार दे देना। वैसे भी इस देश की 25% आबादी पगार पे चलती है और 75% उधार पे। जी हाँ, और उधार मांगने वाले भी इस घर में मौजूद हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। पपलू टपलू, तुम लोग उधार मांगने की आदत बंद करोगे या नहीं? उधार? लानत है, उधार तो हमने बंद कर रखा है। एक घंटा हो गया, हमने किसी से उधार मांगा तक नहीं। खैर छोड़ो, ये रही तुम्हारी कॉलेज की फीस, आज ही इसे भर देना, मैं शाम को रसीद जरूर देखूंगी। लेकिन आज तो हम कॉलेज जा नहीं रहे हैं। क्यों? इसी क्लास में 10 साल बैठना है ना बहना? आज विजय भैया आ रहे हैं तो हम चाहते हैं कि जब वो आए तो हम दोनों घर पर रहें और उनका जबरदस्त स्वागत करें। हम चाहते हैं कि उन्हें सर से पांव तक फूलों के हार से ढक दिया जाए। स्वागत है, स्वागत। अरे विजय बाबू कहाँ है? एयर फ्लाइट 8 घंटे लेट आ रहा है। ओह नो, मेरे लिए चाय का ट्रक गार्ड में लेकर आना। 8 घंटे मिल गए विजय बाबू का जोरदार स्वागत करने के लिए। वेलकम बैक टू इंडिया, स्वागत है, स्वागत है। अरे सोनू, तुम पहले ये बताओ आप लोग हो कौन? क्या हुआ, कौन है आप? पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम लोग हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो, और ये दो मस्खरे कौन है? मस्खरे? जिस माँ का तुमने गला फड़वाया, जिस माँ की तुमने चीखे, उसी माँ के हम मौत दिए हैं। शराब! ये क्या बदतमीजी है? आप अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाइए वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अरे पुलिस क्या, जाकर मिलिट्री को बुला लो, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम लोग हो कौन और इस घर में क्या कर रहे हो? अरे वाह, अच्छी हिटलर शाही है, हमारे घर में खड़े होकर हम ही से पूछते हैं कि हम कौन है। पहले ये बताइए कि आप चीज क्या है, कहाँ से आए हैं, क्या चाहते हैं आप? मैं बताता। अबे मुंह खोला तो मुंह तोड़ दूंगा। कौन है ये लोग? ये अपलू है, ये टपलू है, ज्योति मैम साहब, ये सोना है, और जो की आंटी है। विजय, विजय तुम? विजय, विजय, विजय बाबूजी, ये घर है ये पागलखाना? कौन है ये सब लोग और ये मगरूर घमंडी लड़की कौन है? बेटा ये आप मुझे एयरपोर्ट पे लेने क्यों नहीं आए? बेटा 4 साल बाद वापस हिंदुस्तान आ रहा है, बाप की नजर में उसकी इतनी कदर नहीं है कि उसे लेने एयरपोर्ट पे पहुंच जाए। मैं तेरी कदर नहीं करता। अरे जिसके सहारे मैं जिंदा हूँ मैं उसकी कदर नहीं करता? क्या कह रहा है बेटा, मैं खुद एयरपोर्ट गया था तुझे लेने के लिए। वहाँ इंक्वायरी पे एयर इंडिया वालों ने बताया कि तेरी फ्लाइट 8 घंटे लेट है और मैं इसलिए वापस चला आया, और अब मैं। लेकिन तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? तेरी फ्लाइट में तो अभी 2 घंटे बाकी है। मैं स्विट्जरलैंड से आया हूँ। स्विट्जरलैंड? लेकिन टेलीग्राम में तो लिखा था कि तू एयर इंडिया से आ रहा है। मैं एयर इंडिया से ही आ रहा था, लेकिन एयरपोर्ट पर जाकर पता चला कि फ्लाइट 8 घंटे लेट है, तो मैंने अपनी सीट स्विसर से बुक करवा ली। तो आपका फर्ज बनता था कि आप न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से फोन कर देते कि आप स्विस एयरवेज से आ रहे हैं, या आप बॉम्बे एयरपोर्ट से फोन कर देते कि आप यहाँ पहुँच चुके हैं। गलती आपकी है। बाबूजी पर नाराज क्यों हो रहे हैं? कोई बात नहीं बेटे, मुझे बहुत खुशी हुई कि तू वापस आ गया। पहले आकर बाप के सीने से तो लग जा मेरे बेटे। स्वागत है, स्वागत। बस बस बस, बहुत बहुत शुक्रिया।
आप लोग मेरा बहुत स्वागत कर चुके हैं, अब इसकी और जरूरत नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। आजा, इधर आजा। मेरा नाम विजय। और मुझे ज्योति कहते हैं। वेलकम बैक होम। हम सब आपकी वापसी पर आपका स्वागत करते हैं। चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। सुनिए जी, अगर मैं हाथ मुंह नहीं धोऊंगा तो क्या मुझे चाय नहीं मिलेगी? मिल सकती है, लेकिन होटल में। अरे पगली, मैं उनकी सगी बहन थोड़ी हूँ, मैं तो उनकी दूर, बहुत दूर के रिश्ते की बहन हूँ। तो क्या हुआ, फिर भी बहन तो हो ना। देख पागल मत बन, ऐसा मौका सिर्फ तकदीर वालों को नसीब होता है। शादी के बाद विजय सिर्फ तेरा पति ही नहीं बल्कि दौलत भरी तिजोरी होगा, और इस तिजोरी की चाबी है शादी। एक बार शादी हो गई तो ये चाबी और दौलत हमारे हाथ में। अरे वाह, मेरे बुढ़ापे पे फिर जवानी आ जाएगी, तेरे जवान भाइयों की सूखी जिंदगी में हरियाली छा जाएगी। माँ तू जिद मत कर, तू जल्दी जा और विजय की आंखों के दरवाजे से दिल में घुसने की कोशिश कर। ये क्या बकवास है बोले माधो काका, इतना भी निमाल में कैसे जा पीता हूँ, जब दूसरी चाय लेकर आऊं। अब ये बुढ़ा और कितनी देर लगाएगा पता नहीं, 24 घंटे में ढंग के कप चाय नहीं पिला सकता। अरे तुम मेरे साथ और कौन चाय पीने वाला है? कोई और नहीं, आप अकेले पीने वाले हैं? तो फिर ये 4 कप किसके लिए? ये 3 गुस्से में तोड़ने के लिए और 1 पीने के लिए। ये सस्ते वाले हैं इसलिए आइंदा सस्ती वाली चीजें ही तोड़ा कीजिए, क्योंकि टूट के चीज जुड़ा नहीं करती और नुकसान भी खुद ही को उठाना पड़ता है, है ना? आइए चाचा जी, नमस्ते। आपकी तारीफ जितनी करो उतनी कम है। मैं त्रिलोचन का बेटा महेश चंद हूँ। तुम गई नहीं अब तक? जानम में भगवान मेरी नजर को बुरी नजर से बचाए। मेरे प्यारे भैया ठीक तो है ना, सीरियल तो नहीं है ना? नहीं त्रिलोकचंद, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अच्छी हालत में हूँ, जिंदा हूँ, सही सलामत हूँ। मुझे साल में देखकर तुम निराश जरूर हुए होगे हैं। कैसी बात करते हैं आप, भगवान मेरी आंखें फोड़ दे, मेरे मन में कीड़े पड़ जाए अगर ऐसे गंदे ख्याल की हवा भी मेरे मन से गुजरी हो। जीते रहो, जीते रहो। भगवान चाचा के पैर छू। हाँ जी, पाए लगे चाचा जी। भगवान आपको 100 साल तक छाता बनाए रखे, भगवान 100 साल तक आपका साया हमारे सर पर सलामत रखे। बापू मुझे नहीं लगता कि आप 100 साल तक जिंदा रहेंगे, फिर क्यों खामा खा चाचा जी को कष्ट देकर हमारा छाता बनने की दुआ दे रहे हो? नमस्ते जज जी। अरे आओ बेटा, भगवान मेरी नजर को बुरी नजर से बचाए, अपने भाई से मिलो। हेलो, ये है मेरा इकलौता बेटा, नाम क्या तेरा? नाम नहीं है, महेश। कैसे बेटा? चाचा जी अभी यहाँ साय की बात चल रही थी तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे फार्म्स वगैरह जो बरसों से आपके साय के नीचे पलते रहे हैं लेकिन फल नहीं रहे। क्या मतलब होता है इसका? मतलब ये कि आपके भेजे हुए अकाउंट्स और खेती बाड़ी के हिसाब किताब देखकर ऐसा लगता है कि मामला मुद्दतों से घाटे में चल रहा है। और किसी दिन मैं आईने की तरह साफ हिसाब सामने रख दूंगा तो तुम खुशी के मारे कूद पड़ोगे, मत उछल पड़ोगे, आना जरूर है। ये जो टैक्सी में सामान रखा तेरा बाप निकालेगा, मीटर बढ़ा। विजय, अरे फेंकना नहीं, फेंकना नहीं, हम जानते हैं भाई तुम सिगरेट पीते हो। नहीं डैडी, मैं आदी नहीं हूँ, ऐसे ही कभी कभी। मेरा दिल भी कभी कभी सिगरेट पीने को कराता है, दुनिया की सारी खुशियां एक तरफ, सिगरेट का एक कश एक तरफ। हो तो देना बेटा। डन हिल, वाह 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 वाह, थैंक यू थैंक यू, वाह वाह वाह। एक सेकंड, एक सेकंड। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ठंडे कलेजे को स्वेटर पहना दिया हो। वाह। लेकिन डैडी आप तो पाइपिया करते थे। हा? अरे बेटा किस जमाने की बातें कर रहे हो, पाइप हम उस जमाने में पीते थे जबकि हम आजाद थे, अब तो हमें हथकड़ियां लग गई हैं। हथकड़ियां? हाँ हथकड़ियां। जिस दिन से वो लड़की घर में आई है बेटे, पाइप पीना तो एक तरफ, पाइप को देखने भी नहीं देती वो। आप किसकी बात करें डैडी, कौन घर में आई है? वही ज्योति। वाह बाबूजी वाह, बहुत अच्छा तरीका निकाला है सिगरेट पीने का। ये ज्योति की आवाज तुम भी सुन रहे हो या डर के मारे सिर्फ मेरे अपने कान बज रहे हैं? जी नहीं, आपने मेरी ही आवाज सुनी है, मैं ज्योति बोल रही हूँ। ज्योति तुम वहाँ वहाँ क्या कर रही हो, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? लेकिन अंदर आओ। अरे ये क्या है? दूध। दूध इसे टेबल पर रख दो,
हम सोने से पहले पी लेंगे, इसे रख दो और तुम जाओ। ओह फॉर गॉड सेक, ये घर है या हॉस्पिटल? कोई मुझे बताएगा कि ये लड़की कौन है और इस घर में कहां से आकर टपकी है और इस घर में इसकी इतनी धौंस क्यों चलती है? आप इसे इतना डरते क्यों हैं? डरता? मैं उसे डरता नहीं बेटा, मैं तो उसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। मैं तो कभी ये भी सोचता हूँ कि अगर मेरी कोई अपनी बेटी होती तो शायद मैं उससे भी इतना प्यार नहीं करता। कुछ अरसे पहले की बात है बेटे। वाह बेटी वाह, इस कमबख्त ने तो बारीक बारीक सुइयां लगाकर मेरे हाथ को चाय की छलनी बना दिया। अच्छा ठीक है, ज्यादा बात मत कीजिए, गुस्सा कम कीजिए वरना आपको तकलीफ होगी। डॉक्टर साहब इन्हें नींद की दवा दे दूं? यस, 5 mg डोज। इस वक्त आप सबसे अच्छी नर्स की देखभाल में हैं। ये दवा से ज्यादा बातों से इलाज करती है। अच्छा मैं चलता हूँ। क्या हुआ बिटिया? आप जाइए जाके सो जाइए। नहीं बिटिया, हमारा मतलब सिस्टर, हम ठीक हैं। बेटी कहना अच्छा लगा, सिस्टर तो सभी कहते हैं। बहुत जमाने के बाद बेटी का शब्द सुना, इसलिए आप मुझे बेटी कहिए। तो ठीक है बिटिया, तुम आराम करो, हम मालिक का ख्याल रखेंगे। उनका ख्याल रखना मेरा फर्ज है और अपनी नींद पूरी करके अपनी सेहत ठीक रखना आपका फर्ज है, समझे? चाहिए जाके सो जाइए। ठीक है बिटिया। भगवान, मुझसे ऐसी कौन सी खता हुई जो तू मुझसे मेरा बड़ा भाई छीन रहा है? और भैया, मैंने आपकी अभी इतनी सेवा कहाँ की है जो आप अपनी जायदाद का मुझे हकदार बना रहे हैं? मेरे कमजोर कांधे आपकी इतनी बड़ी जायदाद का बोझ नहीं उठा सकते। जाइए मेरे जायदाद, मुझे जायदाद नहीं चाहिए। अगर आप ऊपर जाएंगे तो कंपनी देने के लिए मैं भी साथ में ऊपर चलूंगा। क्या चिल्लाइए मत, आपके भाई साहब खतरे से बिल्कुल बाहर है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ए भैया, ये क्या मनुष्य बातें कर रही है? भैया आप इतनी जल्दी अच्छे क्यों हो गए? कम से कम मुझे आने दिया होता, आपकी दबा दबा से सेवा करने दिया होता, खूब सेवा करता आपकी, तब आप अच्छे होते तो कोई बात भी होती। भैया अपनी आंखें खोलिए और बोलिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आपने जो पैर के नीचे ट्यूब दबा रखी है उस पर से पैर हटा देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। माफ करना, गलती से दब गया था। अपनी गलती पर काबू रखिए, गलती से किसी का गला मत दबा देना। गला? ये क्या? आपका ये स्मोकिंग करना बंद। क्यों? अब तो मैं बेटर हूँ, ठीक हो गया हूँ। इसीलिए मैं आपको गार्डन में ले जाने के लिए आई हूँ। गार्डन? गार्डन में जाएंगे? अगर मेरी अपनी कोई बेटी होती तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी होती, लेकिन मेरी तकदीर में तो बेटी लिखी ही नहीं। एक बात कहूँ? फरमाइए। बेटी तुम हमारे साथ हमारे घर में हमारी बेटी बनकर रहो, हम समझेंगे भगवान ने एक पाली पलाई बेटी हमारी गोद में डाल दी। नहीं बाबूजी, मेरा और आपका क्या मेल है? मैं अनाथ हूँ, ना मेरी जात का पता ना मेरे माँ बाप का। मुझे इन बातों से कुछ लेना देना नहीं, मैं इंसान का दिल देखता हूँ, उसकी जात पात नहीं। हाँ कहते बेटी, रह जा इस तनाही के मारे हुए बूढ़े बाप के पास। ठीक है बाबूजी, मगर आपको एक वायदा करना होगा। जिस दिन आपको लगे कि मैं आप पर बोझ बन रही हूँ, उस दिन आप मुझे यहाँ से जाने के लिए कह देंगे। इस शर्त पर मैं यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ। मुझे मंजूर है। माधो काका, इसे घर कहते हैं? घर ऐसा होता है? छी छी, ये तो कबाड़ खाना है। यहाँ रहकर तो अच्छा भला आदमी भी बीमार हो जाए। अरे हम क्या करें, सफाई करने जाते हैं तो मालिक नाराज होते हैं, ना किसी से मिलते मिलाते और ना उनका कोई दोस्त है। अच्छा
उनका कोई रिश्तेदार है? हाँ, एक बेटा है, विदेश में रहता है, पिछले 4 साल से नहीं आया। एक दूर के रिश्तेदार है, वो क्या कहते हैं, वो जोग माया, उसके पति ने उसे छोड़ के संन्यास ले लिया। उसके 2 बेटे और 1 बेटी। वो आदमी कौन है जो रोते हुए आया था? वो मालिक का सौतेला भाई है, ढोंगी है, मालिक की सारी दौलत हड़प लेना चाहता है। रुको भाई, रुको। अरे इतना बड़ा मकान क्या सच में है? आइए चलिए। ओ माँ, माँ। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं उस औरत और उसके बेटों को किसी भी हाथ में इस घर में नहीं रहने दूंगा। तुम नहीं जानते कि वो कितने खतरनाक, चिड़चिड़ी, बदमिजाज और लालची किस्म की औरत है। और मुझे उम्मीद है कि आप इस गरीब बेटी का दिल नहीं तोड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। देखो, तुम्हारी आंखों से आंसू क्या बहते हैं, मुझे पिघला कर मोम बना देते। ये लो ये लो ये लो, ये रखो, ये है चाबियां। अब ये घर तुम चला। इस तरह ही सब लोग इस घर में आए, इस तरह ज्योति यहाँ आई और तुम्हारे बाप को मरने से बचाया, उसे एक नई जिंदगी दी है। अब तुम सो जाओ, कल से ऑफिस जाना है। हेलो, यस, विजय कुमार हियर। हेलो जी, मैं ज्योति बोल रही हूँ। आप लंच पर यहाँ आएंगे या मैं वहाँ भेजू? मैडम ज्योति, आप ज्योति साहिबा, आपको मेरे खाने के लिए इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? परेशानी की बात नहीं, ये मेरी आदत है। सिर्फ आप ही नहीं, घर का नौकर हो, ड्राइवर हो, मैं सबके खाने की इतनी परवाह करती हूँ। मैं सारी दुनिया के इंसानों को एक आंख से देखती हूँ। ठीक है भाई, यही ऑफिस में भेज दो। मैंने भी अगर सारी प्लेटें ना तोड़ डाली तो मेरा नाम भी विजय नहीं। वादा? बिल्कुल वादा। ठीक है, अपने सर पर मार मार के तोड़ना, मैं स्टील की प्लेटें भेज रही हूँ। कंपनी तो फोन करके और मना लेना। बाय। लानत, हमसे तो फकीरों की हालत अच्छी, साला एक पैसा नहीं जेब। कसम से यार, अरे वहाँ थिएटर में फिल्म लगी और यहाँ जेब में कड़की लगी हुई है। ये कड़की दूर के रिश्ते में कोई लगती है हमारे, जब देखो हमसे ही चिपकी रहती है, साला कोई दूसरा घर नहीं मिलता। कसम से यार, दिखा ना यार। अरे दिखा दे, कहाँ से दिखा दूँ, अपना चमड़ा बेच दूँ। अरे चमड़ी तेरी बाजार में बिकेगी, गधे की चमड़ी नहीं बिकती बाजार में। अरे क्या बोलता, क्या बोलता, क्या बोलता तू, क्या बोलता। पेन, अरे ये पेन बेच देना यार। अबे ये पेन टूटा फूटा मुझे बाहर मिला था, इससे पैसे नहीं झापड़ मिलेगा। हाय पपलू टपलू, क्या हाल है? रब के खाने से पहले अच्छा था, अब बिगड़ गया। अरे क्यों बिगड़ भैया? वो बात क्या है कि घर का हिसाब किताब लिखने के लिए ये कीमती पेन ज्योति बहन ने हमको दिया था, अब ये टूट गया, मतलब मेरी गर्दन टूट गई। अरे ज्योति बहन, ये कीमती पेन टूटने पर तुझे कीमती जूतों से मारेगी। अबे मालूम है भैया, अब थोड़ी देर के बाद हमारी मुलाकात अस्पताल में होगी। अबे क्यों मारा जा रहा है, कोई हॉस्पिटल वॉस्पिटल नहीं जाएगा। ये ले 100 रुपए, जा नया पेन खरीद ले। 100 रुपया? लानत, अब मैं 150 रुपए का पेन 100 रुपए में कैसे खरीदूं? चलो ठीक है, अपनी मरी हुई दादी का मंगल सूत्र बेच कर 50 रुपए डाल दूंगा। अरे अपनी मरी हुई दादी का मंगल सूत्र बेच कर क्यों उसे विधवा बना रहा है? ये ले 50 रुपए। ये क्या बदतमीजी है? अरे इसे बदतमीजी नहीं, बेतकल्लुफी कहते हैं। मुझे इस कसम की बेतकल्लुफी बिल्कुल पसंद नहीं, आइंदा अपने हाथ जरा काबू में रखा कीजिए। कमाल है, जरा सा हाथ लगाया तो इतना नाराज होगी। अरे अमेरिका में तो लोग मजाक मजाक में लड़कियों को गोद में बिठा लेते हैं। जी हाँ, गिरना पहले गोद से शुरू होता है, पहले लड़कियाँ गोद में गिर जाती है, फिर इज्जत की ऊंचाई से गिर जाती है। छोड़ो यार, इतनी जवान लड़की होकर बुढ़िया जैसी बात कर रही हो। जी नहीं, बुढ़ापा तजुर्बे और अकल का नाम है, और जिस जवानी में तजुर्बा और अकल शामिल ना हो उस जवानी की शक्ल बहुत जल्द बदल जाती है। तुमने कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? रोज देखती हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये उम्र काम करने की नहीं, दिल लगाने की है? लगता है, इसीलिए मैंने अपने काम से दिल लगा दिया है। आप मुझे गलत समझ रहे हैं कि मैं आपके आसरे पर हूँ, इसलिए आपने सोचा होगा कि आपकी जायदाद और शानो शौकत की चमक दमक देखकर मैं आपके बस में हो जाऊंगी। नहीं ज्योति, तुम्हारा ऐसा सोचना गलत है। इज्जत और मान मर्यादा को मिट्टी में मिलाकर, अपने मकाम को भूलकर इस कदर नीचे गिर जाना बड़ी शर्म की बात है विजय साहब। आप आई एम सॉरी ज्योति,
मुझे माफ कर दो, मैं अपने कल शाम की हरकत के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। होश में रहकर माफी मांगने की हिम्मत नहीं थी शायद। हिम्मत तो है लेकिन एहसास खंजर की तरह चुभ रहा था। उसे बेहोश करने के लिए मुझे शराब का सहारा लेना पड़ा। लेकिन एक बात तुम्हें बता दूं ज्योति, मैं फितरत का बेहद जिद्दी आदमी हूं। जिस चीज को चाहता हूं उसे पाकर रहता हूं। मेरे मन ने तुम्हें चाहा है और वो चाहत तुम्हें किसी न किसी तरह हासिल करके रहेगी, चाहे उसके लिए मैं बर्बादी क्यों ना हो जाऊं। ज्योति दीदी, दीदी तुम? हाँ, शॉपिंग करके घर लौट रही थी तो सोचा तुम्हारा कॉलेज रास्ते में है तो तुम्हें भी घर ले चलूं। दीदी तुम्हारी कब कितना ख्याल रखती हो। सच दीदी, अगर तुम हमें पहले मिली होती ना तो हम लोगों की तो जिंदगी बदल गई होती। हाय सोना, ऐसे ही जा रही हो? अरे एक लवली रोमांटिक आराम देकर नहीं जाओगी? भूल कर भी सोना से मिलने की कोशिश की तो मैं प्रिंसिपल से अंडरस्टैंड। चलो मैं मिस ज्योति से बात कर सकती हूँ? जी मैं ज्योति बोल रही हूँ, क्या बात है? देखिए मैं ऑफिस से विजय साहब की सेक्रेटरी बोल रही हूँ। उन्होंने आपको ठीक 8 बजे होटल ब्लू नाइट के रेस्टोरेंट में बुलाया है। क्या मुझे बुलाया? वो कह रहे थे कोई जरूरी काम है, ठीक 8 बजे 15 नंबर टेबल पर। यकीन तो नहीं आ रहा है, अगर बुलाए हैं तो पहुँच जाऊंगी। ठीक है। बैठो। इस तरह धोखे से बुलाने का मतलब क्या है? ज्योति एक मिनट बैठ तो जाओ, सब लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, प्लीज बैठो ना। आई एम सॉरी ज्योति, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हें यहाँ बहाने से बुलाया, लेकिन मैं अपने दिल के हाथों, अपने प्यार के हाथों मजबूर था। विल यू स्टॉप इट मिस्टर विजय, मैं आपकी दास्तान इश्क सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ। ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा ये बताओ तुम लोगी क्या? जी बहुत बहुत शुक्रिया मेहमान नवाजी का। कुसूरवार तो मैं हूँ, खाने पीने का तो कोई कसूर नहीं ना? फटीचरों के लिए ये होटल नहीं है। हम गरीब जरूर हैं लेकिन भिखारी नहीं हैं। छोड़िए ना, इतना गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत है, बहुत बेइज्जती हो चुकी है। चलिए हम चले जाते हैं। ठहरिए, आप लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। आप कौन होते हैं इन्हें रोकने वाले? आप कौन होते हैं इनकी बेइज्जती करके इन्हें यहाँ से निकालने वाले? मैं इस होटल का मैनेजर हूँ और मैं इस देश का रहने वाला हूँ जिसकी जमीन पर ये होटल खड़ा है। इस होटल का मैनेजमेंट इस किस्म के बदतमीज मैनेजर रखता है जिन्हें अपने कस्टमर से बात करने का सलीका तक नहीं आता। अबे ओ ज्यादा स्मार्ट मत बन, चल चल निकल यहाँ से। नहीं तो बहुत हो गया, तो जा खुद जाकर खाना ला। जा बैठिए, आप लोग बैठिए, बैठिए बैठिए, ये लीजिए, लाओ जल्दी से लाओ। अरे पानी नहीं लाया, जल्दी से पानी लाओ। और कुछ चाहिए? हमारी वजह से आपको। आप लोग आराम से खाना खाइए और जो तुम्हारा नुकसान हुआ है उसके बदले ये रखिए।
आप इतने बुरे नहीं हैं जितना मैं समझती थी। कृपया एक विशेष सूचना सुनिए। बॉम्बे हॉस्पिटल में एक स्त्री को जिसकी खून का ग्रुप RHBC है, उसे एक बोतल खून ना दिया गया तो उसकी मृत्यु हो सकती है। जनता से अपील है कि जिसके खून का ग्रुप RHBC है वो फौरन बॉम्बे हॉस्पिटल में संपर्क करें और एक इंसान की जिंदगी बचाएं। डॉक्टर साहब, मेरी माँ कैसी है? तो फुर्सत मिल गई आपको आने की। बीमार माँ के मसरूफ तरीन बेटे, इनका शुक्रिया अदा कीजिए। अगर ये वक्त पे खून ना देती तो आपकी माँ को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती थी। इन्होंने जो खून दिया है उसकी कीमत अदा कीजिए। इन पैसों से और शराब पियो और जब पैसे खत्म हो जाए तो अपनी माँ का खून पी लेना। देखिए आप मुझे गलत समझ रहे हैं, आप जैसा सोच रही हैं मैं वैसा हूँ नहीं। नहीं ठीक ठीक ठीक, तुम ऐसे नहीं हो, तुम तो एक ज़हीन स्टूडेंट हो जो कॉलेज में सिर्फ तालीम हासिल करने जाता है। आज तक तुमने कॉलेज के लड़कों के बीच में किसी शरीफ लड़की का हाथ पकड़ने वाली बेहुदा हरकत तक नहीं की। तुम अपने माँ बाप की फरमा बरदार औलाद हो जो तुम्हारे चाल चलन के दिन रात गुन गाते हैं। तुम तो कभी सिगरेट भी नहीं पीते हो, कभी शराब भी नहीं पीते हो। बस करो दीदी बस करो, मेरा यकीन करो मैं शराब पीने का आदी नहीं। आज मैंने अपने दिल के हाथों मजबूर होकर शराब पी है क्योंकि सोना मुझसे जुदा कर दी गई, जिसे मैं बेहद प्यार करता हूँ और जिसकी वजह से मुझे आपके हाथों थप्पड़ भी खाना पड़ा। तुमने मुझे दीदी कहा, अगर मेरे थप्पड़ से तुम्हारी गैरत आकी है तो मैं तुमसे इतना ही कहूंगी, किसी शरीफ लड़की का हाथ मांगने से पहले अपनी हिम्मत और मेहनत से अपने आप को उसके काबिल बनाओ। और देखो, मोहब्बत जिंदगी को संवारती है, उसे बर्बाद नहीं होने देती। आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी, मेरी गैरत को झुका दिया है। मैं कसम खाकर कहता हूं दीदी, जब तक मैं कुछ बन नहीं जाता आपको यह मनुष्य सूरत कभी नहीं दिखाऊंगा, कभी नहीं। आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? इंतजार। इंतजार किसका? तुम्हारा और किसका? देखो देखो घड़ी देखो, सुबह के 5 बजने वाले हैं। मगर मेरा इंतजार करने की क्या जरूरत थी? किसने कहा आपसे मेरा इंतजार करने के लिए? मेरे दिल अपने दिल पर जरा काबू रखिए प्लीज। काबू नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। दिल के काबू की लगाम अब अपने हाथ से छूट। मुझे बाबू, मैं आखिरी बार कह देती हूँ, आप यहाँ से चले जाइए वरना मैं चली जाऊंगी। नहीं दरवाजा के मुझे बाबू, नहीं नहीं, देखिए मुझे हाथ पकड़िए, मुझे बाबू हासिल करो। अरे बेटी, आज सुबह तुम्हारा भजन सुनने को नहीं मिला, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? ज्योति कहाँ है? जी मुझे नहीं मालूम, शायद सो रही है अब तक। सो रही? और अब तक? नामुमकिन, इस घर में सबसे पहले तो वही उठती है। हाँ लेकिन शायद आज नहीं उठी। अरे ये क्या है विजय?
तुम और ज्योति, ये हार, ये सब क्या है? डैडी, हम अभी अभी आर्य समाज मंदिर में शादी करके आ रहे हैं। शादी? अरे विजय बेटा, क्यों मजाक करते हो? मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। तो आप अपने हार्ट को संभालिए, कहीं फेल ना हो जाए। ये सच है कि मैंने और ज्योति ने शादी कर ली है। और मैं चाहूंगा कि डैडी हमें आशीर्वाद दें और ज्योति को बहुत स्वीकार करें। नहीं करूंगा स्वीकार, ये गलत तरीका है, बदतमीजी है ये हमारे खानदान के असूलों के खिलाफ है। डैडी, मैं सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ और आप फिर से भगाने की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि मैं रस्मों रिवाज और खानदान की बंदिशों की बातें, इस किस्म की फरसुदा और पुराने उसूलों को नहीं मानता। लेकिन हम तो मानते हैं, हम ये शादी बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। क्यों भाई साहब? अरे तुम बीच में क्यों बोल रही हो? तुमने टेढ़े क्यों लगा रखी है? पर खुदार याद रहे कि हमारी रगों में ठाकुर खानदान का खून दौड़ रहा है और उस खून में अभी तक शराफत का रंग बाकी है, इसलिए हम इस शादी को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। अरे हमारे खानदान में बेटों की शादी धूमधाम से होती है, शानो शौकत से होती है, सारे शहर के लोगों को उसमें दावत दी जाती है। अगर तुम दोनों इस तरह से शादी करने के लिए तैयार हो तो हम अभी इसी वक्त तुम्हें आशीर्वाद देते और ज्योति को अपनी बहू स्वीकार करते। बेटी, नहीं बेटी, रोते नहीं बेटी, ये तो न जाने किस जन्म में इस बूढ़े ने कोई पुण्य का काम किया था जो तुझ जैसे बहू मिल गई है। हमने तो समझा था कि हमारी ज्योति एक दिन चली जाएगी, लेकिन अब तो हमेशा के लिए बन के चली आई है तू बेटी। नहीं बेटी, मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं आज बहुत खुश हूँ बेटे। अगर तुम वाकई में होशियार आदमी होते तो विजय और ज्योति को हनीमून मनाने के लिए गाँव में दावत नहीं देते। एक तो फार्म का हिसाब किताब बॉम्बे के ऑफिस में बड़े गौर से जांचा जा रहा है और ऊपर से तुमने उन्हें गांव में बुला लिया है। कसम अपनी नजर की, अगर बुला लिया तो क्या हुआ? अरे ये कैसा मेरा बापू है? क्या हुआ बापू? ये मजदूर लोग बचपन में काम पे लगे थे और आज बूढ़े होने को आए, मगर हमने आज तक एक फूटी कौड़ी पगार में नहीं दी। क्यों दें? अरे जिंदा रहने देते हैं, क्या कम है जो साथ में पगार भी दे? वो तो सब ठीक है बापू, अगर विजय को पता चल गया कि तुम ऑफिस से पगार मंगाते तो हो लेकिन खुद हड़प कर जाते हो तो बापू वहां में जूते मार मार के गांव से बाहर निकाल देगा, कसम बापू की। बेटे, दुनिया की किसी फैक्ट्री में वो जूता बने ही नहीं जो हम पर पड़ने की हिम्मत कर सके। मेरी हर चाल शतरंज की चाल होती है, जो दिखती कुछ है, लगती कुछ है और होती कुछ है। बट मैंने जानबूझकर प्यार भरा निमंत्रण देकर उनको यहाँ बुलाया है कि वो यहाँ आए और यहाँ से सीधे यमलोक पहुंच जाए। कौन है बे? आज जिंदगी में पहली मर्तबा तूने ढंग के कपड़े पहने। लानत है आपकी नजर पे, जिस पे नजर डालते उसकी कब्र खुद जाती है। हक दिया ना, हो गया आपका कलेजा ठंडा? आपकी नजर में तो शैतान बैठा हुआ है, समुंदर की तरह भी घूर कर देखोगे वो भी भाप बनकर आसमान में उड़ जाएगा। मालिक मेरी नजर को बुरी नजर से बचाए, यही तो मेरी नजरों का कमाल है, ये मेरी जिंदगी कमाई है। पैदा होती है मैंने अपने बाप की तरफ घूर के देखा, वो ढसल गए। उसके बाद अपने मामा की तरफ देखा, उसका जनाजा निकल गया। फिर अपनी भाभी को देखा, उसकी अर्थी उठ गई। आप मेरी तरफ घूर के मत देखना, देखो मेरी टांगे कांप रही हैं। थोड़ा तो देखने दे। उधर देखो, उधर देखो। क्या कार है? टायर पंचर हो गया। आइए आइए, स्वागतम, हनीमून मुबारक हो, मुबारक हो। जीते रहो। क्या कर रहे हैं आप? आशीर्वाद दे रहा हूँ। लेकिन मैं तो टायर देख रहा था। वो तो पंक्चर हो गया, पुराना था शायद। जी नहीं, नया था, नजर नहीं उतरी ना इसलिए नजर लगी होगी। आजकल लोगों की बुरी नजर का पता भी तो नहीं चलता है ना जी। जल्दी लो साहब, हो गया बम 11:40 पर धमाके के साथ फट जाएगा। आहिस्ता फटेगा ना, कहीं आजकल दिवाली के पटाखे की तरह फुस करके रह तो नहीं जाएगा ना? अरे नहीं साहब, जैसे मिंट वाला कांटा उधर, घंटे वाला इधर, तो समझ लीजिए आपके मेहमान लोग ऊपर। तू रास्ता जल्दी से पकड़, इससे पहले को देखना है, चल। भगवान मेरी नजर को बुरी नजर से बचाए, ये रहा वो स्वर्ग जिसका दरवाजा खोलने का सौभाग्य मेरे इन खुशनसीब हाथों को नसीब हुआ। जाओ बच्चो, अपनी इस नई दुनिया में खो जाओ और बाहर की दुनिया को भूल जाओ। अब पहले आप बाहर तो जाइए। मुबारक। थैंक यू। मैं सुबह फिर आऊंगा। जी। शुभ रात्रि। नमस्ते। इस तरह खामोश मुंह लटकाए क्यों बैठी है?
मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी कर ली। नहीं, परेशान हो? बचपन में मुझे खतरनाक बीमारी हुई थी, उसमें मेरी दाई आंख फूट कर बह गई और मैं कानी हो गई। कानी? लेकिन आंख तो है तुम्हारी। हाँ, ये नकली है, कांच की, 340 रुपए में डॉक्टर सोनावाला से बनवाई थी। तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने मौका ही नहीं दिया। और एक कमजोरी? एक कमजोरी और है? हाँ जी। अब वो भी बताओ तो कौन सी है। उसी दौरान मुझे हल्का सा मगर थोड़ा वजनी सा फालिज का एक झटका लगा और मेरा ये उल्टा हाथ बेजान हो गया। बेजान हो? दुखता है? हाँ, लेकिन बरसों की प्रैक्टिस से मैं अपनी इस कमजोरी को छुपा लेती हूँ। मगर तुम तो मेरे परमेश्वर हो, इन्हीं हाथों में जीना है, इन्हीं हाथों में मरना है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें सब कुछ बता दूँ। ठीक है, अब जैसी किस्मत, हम क्या कर सकते हैं। मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। अरे सुहागरात का कोई सुहागरात मनाने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है, कल हाँ। दिन में मना लेंगे सुहागरात, अब सो जाओ। दिन में कोई सुहागरात मनाते? क्या हुआ? शहद की मक्खी। अरे इतना बड़ा मक्खा यहाँ बैठा है और तुम शहद की मक्खी से डर रही हो? लाल वाली, लाल वाली। रखो बच्चा, आइसक्रीम खा रहा है, आइसक्रीम खा। चिल्ला तो मेरे, बर्बाद करके रख दिया। बाबू लग रही है, लग रही है। अरे 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 चाची जी, कोई जवान बेटे को ऐसे मारता है? ये बेटा नहीं है, ये दुश्मन है। अरे क्या दुश्मनी की है इसने? क्या दुश्मनी की है? अरे तुम यहाँ आए हो, इसको चाहिए तो तुम्हारी देखभाल करता, तुम्हारी रखवाली करता, अपनी खाल उतार कर कालीन बनाकर तुम्हारे कदमों में बिछा देता, मगर ये सुअर यहाँ बैठकर आइसक्रीम चाट रहा था। मुझे नहीं चाहिए इसकी औलाद, मेरा इसका रिश्ता खत्म। अरे चाचा जी क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए ऐसी निकम्मी औलाद, ऐसी सड़ी औलाद, ऐसी सुअर औलाद, ऐसी कुत्ती औलाद। ठीक है, ठीक है, आपको नहीं चाहिए तो ना सही, इसे मैं रख लूंगा। तुम क्या करोगे इसको रखे? इसे शहर लेकर जाऊंगा। तुम इसे साथ ले जाओगे? हाँ, मैं इसे शहर लेकर जाऊंगा, अपने साथ रखूंगा, काम सिखाऊंगा, ये दुनिया देखेगा, लोगों से मिलेगा, सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अरे बेटा ये बहुत जलील चीज है, ये वो पत्थर है जिसको तराश के मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, ना ईंट बनाई जा सकती है, इसे से सर फोड़ा जा सकता है। फिक्र ना करें, इस सर फोड़ने वाले पत्थर की मूर्ति मैं बना। ये क्या कर रहे हो? अरे अपने होने वाले बच्चे के सर पे हाथ फेर रहा हूँ। आपके हाथ और आपके बच्चे के सर के बीच में मेरा पेट है। तो हटाओ इस पेट को। कैसी हो शहजादी, सब खैरियत तो है? काहे की शहजादी, बापूजी चाहते हैं शहजादा हो। अच्छा बाबा, शहजादे की माँ, मुझे तो इस बात का गम खाया जा रहा है कि मैं तुम्हें औरत की शक्ल में फिर कब देखूंगा। तो क्या मैं इस वक्त औरत की शक्ल में नहीं हूँ? बिल्कुल नहीं, इस वक्त तुम औरत कम और कंगारू ज्यादा हो। देखो मैं तुम्हें मारूंगी। अच्छा बाबा, माना कि तुम औरत हो, लेकिन वो औरत किस काम की जो अपने पति के काम ना आ सके। बेशर्म कहीं। इसमें बेशर्मी की क्या बात है, अपने दिल की बात अपनी बीवी से नहीं करूंगा तो क्या अड़ोस पड़ोस की औरत से जाकर करूंगा? करके तो देखो, इतना मारूंगी कि बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाएगा। तो ठीक है, मैं दिन भर तुम्हारे साथ बिस्तर में पड़ा रहूंगा। दूध पी लो, दूध दूध। बाबा, बाबूजी, आप ये पी लीजिए, चेतन को मैं खिलाती हूँ। बदमाश, हर रोज दादाजी के पैरों के बीच में बॉल मारता है और कहता है कि गोल हो गया। अरे नहीं नहीं, बेटी बेटी बेटी, तू ये पोते दादा का रिश्ता नहीं समझेगी। पोता दादा का दूसरा जन्म होता है और दादा की रहनुमाई के बगैर, उसके गाइडेंस के बगैर, वो अपने गोल अपने मकसद तक कैसे पहुंचेगा? क्यों बेटे, काफी गोल हो गए हैं, अब चलकर कुछ नाश्ता पानी हो जाए, हमें तो बड़ी भूख लग रही है। कम ऑन, लेट्स गो। अरे चुप जाने जा रही हूँ, छोड़ देखो। अरे 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 छोड़ ये मुझे मार डाला, क्या कर रही हो? डाला मैं कह रही हूँ यार, छोड़ छोड़, अरे छोड़, अरे बचाओ, कोई है? अरे 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 भैया, मेरा बुढ़ापा खाक में मिल गया, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। अरे भाई के घर बहन पर इतना अत्याचार, इतना जुल्म, इतना न्याय कहीं नहीं देखा होगा। ये सब क्या हो रहा है बहू, तुम चुप रहो।
ये तिजोरी खोलकर रुपए निकाल रही थी, मैंने इन्हें पकड़ लिया तो इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। वो तो ठीक है, मगर देखो बहू, अगर कोई गलती करे तो तुम्हें हमसे आकर शिकायत करना चाहिए, ये हाथापाई ठीक नहीं। माफ करना बाबूजी, जब आपने इस घर की चाबियां मुझे सौंपी हैं, तो मुझे अपने ढंग से काम करने की आजादी भी मिलनी चाहिए। जो भी हो, मेरी सलाह के बगैर तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। तो फिर इन हालात में इन चाबियों का मेरे पास रहना ठीक नहीं है, इन्हें आप रख लीजिए। इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं बेटी, इस घर की बहू को चाबियां देकर उसे जिम्मेदारियां सौंपना हमारी परंपरा है, इन्हें इस तरह लौटाकर तुम उस रिश्ते की तौहीन कर रही हो। माफ कीजिएगा बाबूजी, रिश्ते चाबियों से नहीं दिलों से होते हैं, मुझे इन चाबियों की जरूरत नहीं जो हमारे रिश्तों की तौहीन करें। नमस्ते दीदी। अरे राजा तुम, अरे ये क्या कर रहे हो? दीदी आज आपके आशीर्वाद से मैं वकील बन गया हूँ। हाँ? याद है मैंने आपसे कहा था कि जब तक मैं कुछ बनूंगा नहीं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। मुबारक हो, मैं बहुत खुश हुई राजा। थैंक यू दीदी। दीदी आप? अरे थैंक यू। ए टप्पू, टेढ़ा करके खड़ा है, सीधा करो। आदो काका कॉफी लेकर आओ। ए ये क्या हो रहा है? नहीं कुछ नहीं, वो ट्यूनिंग कर रहा था। ट्यूनिंग करा लेकिन टेढ़ा होकर क्यों खड़ा है? वो होनोलुलु का स्टेशन है, ऐसे ही मिलता है। वो तो ठीक है लेकिन मेरे सामने पीट करके क्यों खड़ा है? आपसे शर्म आती है? शर्म आती? अबे ऊपर का चढ़ा रहा है, जाए यहां से वरना इरिटेट हो गया तो लात मार दूंगा। तो फिर मारो ना, देर क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? अरे मुझे भैया ये आपने क्या कर दिया, कितना बदसूरत लग रहा, आपने इनके दांत तोड़ दिए। अरे मैंने आपने इतनी जोर से आंधी की तरह लात मारी, ये गिर पड़ा और इसके दांत बाहर आ गए। मुझे नहीं मालूम था कि इसके दांत इतने कमजोर हैं। बहुत कमजोर है, जब ये कभी किसी सेव को दांत से कतरता तो दांत सेव में ही रह जाते हैं। अब तो ये बेचारा जिंदगी भर खाना नहीं खा सकता, अब ये खाना क्या पानी नहीं चबा सकता। क्यों जी, इतनी मुश्किल से तो ये नकली दांत चबाने के लिए फिट करवाए थे। तो फिर दूसरे नकली दांत फिट करवा लो ना। हम गरीब लोग हैं, फिट करवा लो, हम चेहरे पे धूल नहीं फिट करवा सकते, दांत फिट करवा लो। पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। कितने दे रहे हो? अरे कितने? 300 रुपए हैं। चलेगा, और आइंदा मेरे सामने टेढ़े नहीं खड़े होना। लेट जाऊंगा, नकली दांत लगवा दूंगा। अबे मिल गए साले, देखे कितने? बोलो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर भेलपुरी, भेलपुरी चुप सीधे सीधे पढ़, भेलपुरी, सी फॉर चॉकलेट। आपने बिल्कुल सही कहा भांजे साहब, आपने चॉकलेट का नाम लिया, ये रहा चॉकलेट। थैंक यू राजा, रोज कुछ ना कुछ लेकर आ जाते हो और ये बदमाश तुम्हारा इंतजार करता रहता है। सुना है कि भगवान और बच्चों के पास कोई ना कोई चीज लेकर जाना चाहिए, तब मुराद पूरी होती है। अच्छा तो आप कोई मुराद लेकर आए हैं? बिल्कुल, दरअसल मैं आप लोगों को इनवाइट करने आया हूँ कि आज शाम को मेरी डिग्री का कॉन्वोकेशन है, आप वहाँ जरूर आएंगी, उसके बाद हम खाना खाने कहीं चलेंगे। सुना तुम्हें भी दीदी के साथ आना पड़ेगा। जैसा दीदी कहे वो आएंगी तो मैं भी आऊंगी। नहीं राजा, आई एम सॉरी, आज नहीं हो सकता क्योंकि आज चेतन के डैडी के साथ पार्टी में जाने का प्रोग्राम है। नहीं दीदी, ऐसा नहीं चलेगा, अगर आप मेरे कॉन्वोकेशन पे नहीं आई तो तुम्हारी कसम मैं डिग्री नहीं लूंगा। मगर... अरे अरे कुछ नहीं, मैंने कह दिया ना, मैंने डिग्री लेने की कसम खाई थी सो मैंने पूरी कर दी, अब डिग्री नहीं लेने की कसम भी पूरी कर डालूंगा। हाँ हाँ दीदी प्लीज, आपको आना ही पड़ेगा। मेरा आना जरूरी है तो मैं आ जाऊंगी, उनको फोन करके प्रोग्राम कैंसिल कर देती हूँ। थैंक यू वेरी मच, आप लोग शाम को तैयार रहिएगा, मैं लेने आऊंगा। बाय। न जाने कब से अंदर था और क्या क्या कर रहा था। भाई साहब, संसार पाप का तालाब बन गया है ये तो मैंने सुना है, लेकिन इस पाप के तालाब का पानी यहाँ इस मंदिर जैसे घर में घुस आएगा ये तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। क्या मतलब? एक बात बता दूं, लेकिन है बहुत कड़वी। कड़वी बात करना और कड़वाहट फैलाने के अलावा तुम्हें कुछ और भी आता है? हाँ हाँ, आज ये कड़वाहट मेरी जुबान पर है, कल दुनिया की जुबान पर होगी। मुझे ये राजा का इस घर में बार बार आना जाना अच्छा नहीं लगता। राजा? हाँ, अपनी सती सावित्री बहु ज्योति का दोस्त राजा, ज्यादातर वो इस घर में उसी वक्त आता है जब विजय घर पर नहीं होता। आप अपने कमरे में होते हैं और मैं पूजा पाठ कर रही होती हूँ, घंटों ज्योति के साथ चिपका रहता है उसके कमरे में। खामोश मत तमीज, ज्योति बिटिया के खिलाफ, इस घर की बहू के खिलाफ अगर एक एक शब्द कहा ना तो तुम्हें फौरन इस घर से बाहर निकाल दूंगा मैं। तुम्हें शर्म नहीं आती इतनी गंदी बात करते हुए? जाओ यहाँ से, जाओ।
लेकिन मैं कहता हूँ जाओ यहाँ से। हाँ। मुंह देख रही हूँ मेरा। ओफो। आ रहे ना राजा। गुड इवनिंग मिसेस विचर। गुड इवनिंग मिस्टर कालरा। इस वक्त मेरे पति घर पे नहीं है, आई एम सॉरी। दरअसल मैं आप ही से मिलने के लिए आया था, हमारे क्लब का एनुअल फंक्शन है, आपसे कुछ डोनेशन चाहिए था, हालांकि मुझे इस काम के लिए जल्दी आना चाहिए था, हिट हो गया मगर। सॉरी मिस्टर कालरा, पिछले साल भी मैंने आपके क्लब के लिए चंदा दिया था, मगर बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है अगर चंदा ना देती तो ज्यादा बेहतर होता। आपने चंदा लेकर जो प्रोग्राम करवाया था वो बहुत ही बेहुदा और गंदा था। मैडम मैं क्या कर सकता था, क्लब के मेजॉरिटी और मेंबर्स यही चाहते थे। फिर जाकर उन्हीं लोगों से डोनेशन कलेक्ट कीजिए जो इस किस्म का प्रोग्राम चाहते हैं। आई एम वेरी सॉरी मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। लेकिन चलो राजा। अरे आप अकेले? आपकी मिसेज नहीं आई? उनका कोई और प्रोग्राम निकला है। जी हाँ, मुझे मालूम है कि उनका क्या प्रोग्राम निकल आया है और वो प्रोग्राम किसके साथ निकल आया है, ये भी मुझे मालूम है। What do you mean? आप कहना क्या चाहते हैं? जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि मैंने खुद अपनी आंखों से आपकी पत्नी को राजा के साथ जाते हुए देखा था। कौन है ये राजा? राजा है, उसका नाम ही राजा नहीं, हसीनों के दिलों का राजा है। बे बॉयज की दुनिया में आज उसने तहलका मचा रखा है। हर हसीन और जवान लड़की उसके इश्क में गिरफ्तार है। ए मिस्टर, अपनी जबान को काबू में रखो। चलिए मैं तो अपनी जबान पे काबू रखता हूँ, लेकिन ये मंजर मैंने ही नहीं बल्कि मेरे क्लब के बेशुमार लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा है कि आपकी पत्नी राजा के साथ अक्सर कार में जाती है। चलिए मेरी बकवास बंद, लेकिन उन लोगों की बकवास को कैसे बंद करेंगे जो चिल्ला चिल्ला के कहे। ए मिस्टर विजय, क्या कर रहे हैं मुझे? छोड़िए मुझे बाबू, हरामखोर, मेरी बीवी पर कीचड़ उछालने की तेरी जुर्रत कैसे हुई? मैं तेरा मुंह तोड़कर उसमें से एक गंदी जबान निकाल लूंगा। किस किस की जबान उखाड़ोगे, किस किस का मुंह तोड़ोगे? सारे समाज से लड़ने के बजाय जाकर के अपनी पत्नी को ही काबू में करते। हेलो मिस्टर विजय, आने में बहुत देर कर दी। आपने ये अच्छा नहीं किया, राजा ने आपको विश किया, आपको उसका जवाब तो देना चाहिए था ना। किस किस को जवाब देता फिरूं? खैर छोड़ो, ये बताओ आज तुम्हारा मेरे साथ चलने का प्रोग्राम था ना, भूल गई? कमाल करते हैं आप, मैं कैसे भूल सकती हूँ। मगर राजा बहुत जिद कर रहा था, इसीलिए मैंने ऑफिस में फोन किया, लेकिन आप नहीं थे तो मैंने मैसेज छोड़ दिया कि मैं रात को पार्टी में नहीं आ सकूंगी। तुम्हें राजा की कंपनी में ज्यादा मजा आता है, तो जबरदस्ती तुम्हें मजबूर तो नहीं कर सकता ना कि तुम राजा के साथ मत जाओ, तुम्हें मेरे साथ ही जाना होगा। ये आज आपको क्या हो गया है, कैसी बातें कर रहे हैं? देखो ज्योति, इस समाज में हमारे खानदान की बहुत इज्जत है और मैं नहीं चाहता कि लोग सिर्फ इसलिए हमारे खानदान पर उंगलियां उठाएं क्योंकि तुम समाज की परवाह नहीं करती। मैं फजूल बहस करना नहीं चाहती और ना ही अपनी सफाई में कोई दलील पेश करना चाहती हूँ। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि मुझे क्या करना होगा, आज के बाद मैं उसके साथ बाहर जाना बंद कर दूं या उसे इस घर में आने के लिए मना कर दूं? दोनों। ठीक है, जब आप समाज से डरते हैं, आपको एक अच्छे दोस्त को खो देने से ज्यादा अपने खानदान की मान मर्यादा का ख्याल है, तो आप सिर्फ आप उससे कहेंगे कि दोबारा इस घर में कदम ना रखें। ये मैं नहीं कहूंगी। सोना, जरा हाथ लंबा करो, करो ना। ओ यू आर ग्रेट दीदी, तुम तो सचमुच अंतर्यामी हो, लोगों के दिल की बात तो यूं समझ लेती हो। और दीदी मेरे दिल की बात पढ़ के सुनाओ कि मैं आज यहाँ इस वक्त क्यों आया हूँ। तुम ही बताओ क्यों आए हो। दीदी मैं आपसे सोना का हाथ मांगने और उसके साथ शादी करने के लिए आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। सच? मुबारक हो, ऐसे वक्त में इससे बढ़कर मेरे लिए कोई खुशखबरी नहीं हो सकती। पहले आप लोगों का मुंह मीठा करूंगी, उसके बाद में बाबूजी को ही खबर सुनाऊंगी, ठीक है? क्या बात है, आज सोना के गाल बिल्कुल सोने की तरह चमक रहे हैं। मैं इतने दिनों तक इस खूबसूरती को छोड़कर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा था? देखिए अपनी आंखों से, देखिए अपनी बहू के काले करतूतों को,
ज्योति के चरित्र में छुपे हुए पाप के अंधेरों को। मेरी जुबान पर विश्वास नहीं आ रहा था ना, अपनी आंखों पर तो विश्वास आ रहा है। ज्योति, ज्योति, ज्योति नीचे आओ, नीचे आओ ज्योति, मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ ज्योति, नीचे आओ। बाबूजी। बेशरम, बेगैरत, बेहया। बाबूजी ये क्या कह रहे हैं आप, क्या हो गया? आज हमारे प्यार, हमारे खुलूस, हमारे विश्वास का इतना बड़ा अपमान किया तूने। बाबूजी ये कह रहा हूँ मैंने, क्या हो रहा है ये गालियाँ, ये बेइज्जती किस लिए? इसलिए कि आज तूने साबित कर दिया है कि जूती सिर्फ पैरों में पहनने के लायक होती है, सर पर रखने के लिए नहीं, समझी? अगर मुझे मालूम होता कि तू एक नीच खानदान की लड़की है तो मैं तुझ पर कभी भरोसा नहीं करता। मैं गरीब खानदान की जरूर हूँ बाबूजी, मेरे बाबा बाप की तरह अमीर नहीं थे, और अगर खून की अच्छाई और खानदान की ऊंचाई दौलत के पैमाने से नापी जाती है तो मैं वाकई नीच हूँ। फिर भी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आज अचानक आपको मेरे नीच होने का, मेरे गंदे खून का एहसास कैसे हो गया? ज्योति, छोटे बड़ों से बात करने की तमीज भी नहीं रही तुम्हें? मेरे पिता के सामने ऊंची आवाज में बात की, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन ये जाने बगैर कि मेरा कसूर क्या है, मैं भी चुपचाप बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम तो हो ही बेहया, हमारे भैया शरीफ इंसान है, अपनी जबान से वो गंदी बात, वो गंदा दृश्य नहीं दोहरा सकते जो तुम हमारे पीठ पीछे करती रही हो। नहीं माँ, आखिर मुझे कोई बताता क्यों नहीं? तेरे चाल चलन की दास्तान मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ मैं। तूने अपने हवस की नापाक ठोकरों से हमारे खानदान की इज्जत का चकनाचूर कर दिया है। तू सबने बनकर हमें डसती रही, तू एक गिरी हुई घटिया लड़की है। तेरे साथ इस घर में, इस इज्जत के नीचे तेरे साथ रहकर मैं अपने परिवार की मान मर्यादा को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। दादाजी, नहीं, मेरे कारण आपको ये घर छोड़कर जाने की क्या जरूरत है? ये घर आपका है, आप यहाँ रहिए, मैं चली जाती हूँ। मैं यहाँ नर्स बनकर आई थी, यहाँ रहते रहते अपनी हैसियत भूल गई, आज आपने मुझे मेरी हैसियत याद दिला दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छोड़ दो मुझे माँ, छोड़ दो। लेकिन माँ वो ज्योति दीदी नहीं थी, वो मैं थी। क्या तू? राजा और मैं एक दूसरे को बहुत चाहते हैं दादी। माँ, अगर उन लोगों ने देख लिया होता तो शुक्र है भगवान का कि भैया ने झांक कर नहीं देखा, नहीं तो उस ज्योति की जगह हम लोग जूते मारकर इस घर से निकाले जाते। लेकिन मैं ज्योति दीदी को नहीं जाने दूंगी, मैं जाकर उन सबको बता दूंगी। सुना, तुझे अपने माँ के सर की कसम, अगर तू किसी से कुछ कहेगी या इशारा भी करेगी तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। तू अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखेगी। देख, तू अगर मेरी बेटी है और अपनी माँ की मौत का कारण नहीं बनना चाहती तो किसी से कुछ नहीं बोलेगी, अपनी जुबान बंद रखेगी। हाँ आओ बेटी, आओ बेटी, तुम्हें इस महल जैसे मकान से इस टूटी फूटी कुटिया में ले आया हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी की बस यही एक पूंजी है। लाखों लोग बिना घर के फुटपाथ पर जिंदगी गुजारते हैं, गंदी नालियों के पास रहते हैं और वहीं दम तोड़ देते हैं। हम तो फिर भी खुशनसीब हैं कि धूप और बरसात से बचने के लिए हमारे सर पर छत तो है। लो बेटे, पानी पियो। इसमें बू आ रही है माँ। इंसान भी मिट्टी से बना है बेटे, इसलिए मिट्टी की बू से नफरत नहीं करनी चाहिए। माँ, शेखर, ये क्या कर रही है? क्या ऐसे आ गई बू? बच्चे को मारती नहीं बेटी। शीशा टूट गया मगर घमंड के शीशे में दरार तक नहीं आई। देखो अपनी तरफ, वही अकड़ी हुई गर्दन, वही तनी हुई भौहें, बड़ी बड़ी आंखों में गरूर की मुस्कुराहट। अरे बेवफा, बेहया, अगर मेरी जिंदगी में जहर ही घुलना था तो फिर मेरी जिंदगी में आई क्यों? यू चीट, तुमने वो हालत कर दी है मेरी, न मैं तुम्हें भूल सकता हूं, न तुमसे नफरत कर सकता हूं और ना ही तुम्हारे बगैर जी सकता हूं। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राणाय परायणे सर्व सर्वार्थे हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके
शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। लो बेटा। एक पतिता की नाजायज औलाद की इतनी हिम्मत कि भगवान के प्रसाद को छूकर अपवित्र कर दिया। अगर एक मासूम बच्चे के छूने से तुम्हारे भगवान का प्रसाद अपवित्र हो जाता है तो मुझे तुम्हारे भगवान पर हैरत है। अगर वो इतना कमजोर है कि किसी के छूने से उसकी पवित्रता खत्म हो जाती है तो फिर वो अपने भक्तों के पाप कैसे धोएगा? बकवास बंद करो सुन कुल्टा। अपनी गंदी और नापाक जबान से भगवान का नाम मत ले। भाई और बहनों, ये छोटे चरित्र की औरत इत्तेफाक से मेरे बड़े भाई की बहू थी। इसको इसकी गंदगी के साथ घर से धक्के मार कर निकाल दिया गया क्योंकि शादीशुदा होते हुए इस कुल्टा के एक गैर मर्द के साथ नाजायज ताल्लुकात थे और एक दिन इसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। तो भगवान मेरी नजर को बुरी नजर से बचाए। आप लोग फैसला कीजिए कि ऐसी कुल्टा को, ऐसी गंदी औरत को, ऐसी गिरी हुई औरत को भगवान के मंदिर में आने का हक है? नहीं, नहीं, नहीं। जब नहीं है तो फिर मेरी नजरों को क्या देख रहे हो? इसे धक्के मार के बाहर निकाल दो। संसार में एक ही मतलब के लिए पैदा हुई थी कि मेरे भाई साहब खुश रहे, और ये तभी हो सकता है मेरे प्यारे भाई साहब जब मेरे विजय की दोबारा शादी हो जाए, उसके जीवन के टूटे हुए तार जोड़ने के लिए कोई अच्छी सी बहू इस घर में आ जाए। क्या 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 क्या? और ये तार जोड़ने के लिए मैं अपनी बेटी की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। ये जानते हुए कि उसे कंवारावर नहीं मिल रहा है, मैं इस घर की खुशी पर अपनी बेटी को इस तरह फिरा कर फेंक सकती हूँ जैसे लोग नजर उतारने के लिए नारियल फिरा कर फेंक देते हैं। मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी नारियल नहीं चाहिए। मेरा दिमाग मत खाओ, जाओ यहाँ से, मुझे अकेले छोड़ दो यहाँ। ये तो दुनिया का उसूल है, गैरों को गले लगाओ और अपनों को दूर भगाओ। अरे हाँ, मैं भी क्या भुलक्कड़ हूँ, किस काम से आई थी और क्या किस्सा ले बैठी। दरअसल भाई साहब, पैसों के लिए आई थी, बिल चुकाने हैं ना, दूध वाला, फ्रूट वाला, अखबार वाला, दवा वाला। ये लो चाबियां, तुम अपना ये दूध वाला, नारियल वाला, तुम्हारा ये गटर वाला, पेपर वाला, सब सब बिल चुका दो और फिर चाबियां वापस जाकर मुझे दो यहाँ पर। अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। भाई साहब, जाती हो कि नहीं? दिमाग मत खाओ मेरा, जाओ। हाँ हाँ जाती हूँ, आज तो मेरा मौन व्रत है इसलिए सुबह से बात ही नहीं की मैंने। एक दो दीदी। अरे चेतन, तू यहाँ बैठा है? ये देख मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, देखो। अरे ये मोटर कार लाया हूँ, ये देखो देखो। हाँ कैसे you. चलता है। अरे और एक चीज लाया हूँ, हाँ चॉकलेट, ये लो। चेतन, ये क्या बेहुदापन है? किसी ने कुछ भी दिया तुमने ले लिया? दीदी इसे क्यों डांट रही हो? किसी पराये से थोड़ी लिया है, क्या मेरा इतना भी हक नहीं इस पर? हाँ? अरे छोटे, अरे तू बिल्कुल अपने बाप की शक्ल पर गया है। हाँ दीदी, विजय बाबू आते हैं यहाँ पे? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हें इस हालत में देखूंगा। दीदी मेरे साथ चलो। दीदी कहाँ? मेरे घर। राजा, घर वाली बात अपनी जबान पर कभी मत लाना और भूल कर भी मेरी मदद करने की कोशिश मत करना। लेकिन दीदी मैं देखो, इससे मेरी मुसीबतें दूर नहीं होंगी बल्कि मेरी उलझने और बढ़ जाएंगी, मुझे समझने की कोशिश करो। लीजिए विजय। हाँ यार, इतनी मत शराब। अबे चल 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 यार। सर क्या है ये? कुछ टैक्स है, साइन कर दीजिए। हाँ चलो ठीक है, ला इधर, ला रखो इधर, ला। ये लो महेश। वेल डन हिल्डा, वेरी वेल डन। सब खैरियत तो है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? नहीं, सिर्फ एक पल के लिए मैं घबरा सी गई थी। आप क्यों घबरा गई थी? यही कि अगर कहीं बॉस को पता चल गया कि मैं उनसे बैरर चेक साइन करवा रही हूँ तो मुझे काम से नहीं निकाल देगा बल्कि जेल भिजवा देगा। अरे उसके बाप का राज है क्या कि तुम्हें मेरे दिल से निकाल कर जेल भिजवा दे? अरे डार्लिंग, तुम इतनी स्मार्ट हो कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसीलिए तो मैंने तुम्हें मामूली टाइपिस्ट से बॉस की सेक्रेटरी बना दिया है। थैंक यू। अरे मेरी जान, तुम सिर्फ चेक पे चेक साइन करवाती जाओ और मेरे दिल के अंदर जो तुमने अपना घर बनाया है ना उस पे फ्लोर चढ़ाती जाओ।
गुड मॉर्निंग शारदा, तुम? जी विजय बाबू, मैं। लेकिन मैं यहाँ कैसे? मैं आपको यहाँ लाई हूँ। तुम? हाँ, आप कल रात नशे में धुत जिस होटल में मैं गाती हूँ उसके बाहर अपनी गाड़ी के सामने पड़े हुए थे, इसलिए मैं आपको यहाँ ले आई। अच्छा अच्छा, तो उस होटल में तुम गा रही थी, मुझे ऐसा लगा भी, लेकिन बाद में दिमाग का ब्लैकआउट हो गया तो तुमसे मिलना याद नहीं रहा। एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ पूछो। आप एक इज्जतदार खानदान के इंसान हैं, फिर आप इस तरह से शराब क्यों पीने लग गए? तुम भी एक इज्जतदार खानदान की लड़की हो तो इस तरह होटलों में नाचने गाने क्यों लगी? विजय, तुम्हें याद होगा मैं कॉलेज में एक लड़के से बेहद प्यार करती थी। हाँ हाँ, शेखर ना? हाँ शेखर। मेरे पिताजी उसे पसंद नहीं करते थे, मैं प्यार में अंधी तो हो ही चुकी थी, दुनिया और समाज के असूलों को तोड़कर मैं उसके साथ घर से भाग गई, मगर उसने मेरे साथ शादी नहीं की। वक्त गुजरता रहा, फिर शायद उसका मुझसे, मेरी मोहब्बत से दिल भर गया। माँ बाप कम और उनकी दौलत उसे ज़्यादा याद आने लगी। फिर एक दिन बहाना करके वो चला गया और अपने माँ बाप की पसंद की लड़की से उसने शादी कर ली। तब से मैं अकेली दुनिया के तूफानों का मुकाबला कर रही हूँ। तुम एक बहादुर लड़की हो, तुमने अपनी हिम्मत और मेहनत से ये मकाम हासिल किया है और आज भी अपने दम पर जमाने का मुकाबला कर रही हो। फिर भी अगर तुम्हारी मैं कुछ मदद कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। जी नहीं, जो आप देंगे वो मुझे चाहिए नहीं, और जो मैं चाहूंगी वो आप नहीं दे सकते। आप दौलत रुपया पैसा देना चाहें तो उसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने बीते हुए दिन वापस मांगूंगी तो वो वापस करना आपके बस में नहीं है। हम जैसी गिरी हुई औरतों की तो भगवान भी मदद नहीं कर सकता। नहीं शारदा, तुम गिरी हुई लड़की नहीं हो, बल्कि तुम्हें गिराया गया धोखा देकर, जिस तरह धोखा देकर मुझे गिराया गया। आपको? हाँ, तुम्हारी और मेरी कहानी काफी मिलती जुलती है। मैंने भी दिल पर बहुत जख्म खाए बेवकूफी के, ना उन जख्मों का इलाज कर सकता हूँ ना जख्म देने वाली को भुला सकता हूँ। कौन थी वो, आपकी प्रेमिका या पत्नी? दोनों। हालांकि मैंने खुद उसे घर से निकाल दिया था, लेकिन दुख तो इस बात का है कि मैं उसे दिल से नहीं निकाल सका। मगर उसका कसूर क्या था? कसूर? तुम्हें धोखा देने वाले शेखर से ज्यादा कसूरवार है वो। शेखर ने तो तुम्हें शादी से पहले धोखा दिया, लेकिन उसने मुझे शादी के बाद धोखा दिया। I'm sorry to hear that. देखो विजय, एक जख्मी की हालत दूसरा जख्मी ही समझ सकता है। इस मर्ज का कोई इलाज नहीं है, लेकिन एक तरीका है। हो सके तो एक बार उसे माफ कर दो, उसे संभलने का एक मौका और दो। हो सकता है तुम्हारा प्यार देख के वो बिल्कुल बदल जाए, उसका दिल बदल जाए। शारदा, माफ उसे किया जाता है जो अपने किए पे शर्मिंदा हो, अपनी गलती को स्वीकार करता हो, मगर वो पापी भी है और मगरूर भी, कुसूरवार भी है और घमंडी भी। वो चाहती है कि माफी मैं मांगू, क्योंकि मैंने उसे बेवफा कहा, उस पर इल्जाम लगाया, इसलिए मैं अपनी गलती का इतराफ करूं। तब तो बात कोई गहरी है, आप शायद इस गहराई को नहीं जानते। ऐसे अंदाज किसी मजबूत इरादे वाली औरत के ही हो सकते हैं। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो कोई मामूली औरत नहीं है। ले 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 हो। अरे बेटी, छोटे मालिक का बदन तो बहुत गर्म है, बहुत तेज बुखार है। क्या? आगे देखो तो। भगवान, ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? इतना मत करो बेटी, कुछ नहीं हुआ। तुम एक कटोरी में पानी ले आओ और कपड़ा ले आओ। नहीं मधु काका, आपको नहीं मालूम है, ये बुखार तो दिमाग तक पहुंच चुका है। ये ब्रेन फीवर है, ये बहुत खतरनाक बीमारी है, इसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। क्या अस्पताल? बेटी इस वक्त वो यहाँ से 80 मील दूर है, और जाएंगे कैसे, 7 बजे वाली बस भी निकल चुकी होगी। नहीं मधु काका, किसी भी हालत में इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मधु काका इसका ख्याल रखिए, मैं भी आती हूँ। कहाँ जा रही है बेटी? त्रिलोक चाचा के पास। मैं हाथ जोड़कर पैर पकड़कर उनसे इसके लिए जीप मांगूंगी। अभी आती हूँ, इसका ख्याल रखिए। चाचा जी, मेरा बेटा बहुत ज्यादा बीमार है, वो बहुत सीरियस है, आपके खानदान का चिराग बुझ रहा है, उसे बचा लीजिए। भगवान के लिए उसे अपनी जीप में हॉस्पिटल ले चलिए, मैं आपके पांव पड़ता हूँ। हराम के बच्चे के लिए मेरे दरवाजे पे मदद मांगने आई है? उसके पास जा जो उसका बाप है। याद तो है ना उसका बाप कौन है? याद है,
उसका बाप वो है जो इस हवेली का मालिक है, यहाँ की एक एक चीज का मालिक है, जिसका तुम बरसों से नमक खा रहे हो, और उसके बच्चे को बचाना तुम्हारा फर्ज है। अरे जा उल्टा, बाप के गंदे हाथों से अपना मुंह काला करके तू मुझे मेरा फर्ज समझा लिया, चल निकल यहां से। दे दो, जितनी गालियां देनी है दे दो, जी भर के बुरा भला कहो, लेकिन लेकिन मुझे गाड़ी की चाबी दे दो, वरना मेरा बच्चा मर जाएगा। अच्छा है मर जाने, हराम की औलाद का मर जाना ही अच्छा है, तेरा कलंक भी मिट जाएगा और धरती से पाप का बोझ भी हट जाएगा। अरे भैया माने वाला तुम, इस वक्त मेरा बच्चा मर रहा है और एक मरते हुए बच्चे की माँ घायल शेरनी से ज्यादा खतरनाक होती है, चाबी दे वरना चाकू का एक झटका मारकर इस पापी कंधे से ये शैतानी सर काट कर जमीन पर डाल दूंगी, चाबी दे, दे। क्या हुआ बेवकूफ, मन करता है कि नकाब पहनकर किसी बैंक को लूट ले। वो क्यों? अबे तूने रेस्टोरेंट में टेबल बुक कराई है, चार लड़कियां बुलाई है डिस्को करने के लिए, पैसा किधर? अरे पैसा एंथनी ब्रदर, एक बात बताओ, तुमने इतनी अच्छी ड्राइविंग करना कहाँ से सीखा? स्वर्ग से, नर्क से, फ्रांस से, जर्मनी से? अरे मच्छी से पूछता है, उसने तैरना कहाँ से सीखा? बड़ा हाई लेवल का मस्का मारे ला रहे। मस्का नहीं ब्रदर, मस्का नहीं, आज थोड़ी कड़की है, पैसों की जरूरत है। पैसा नहीं है। अरे यार क्या बेहुदा सवाल पूछता है, भूखे ने नंगे की पॉकेट मारी, दोनों बेहोश हो गए। अरे तुम लोग काय को फुकट के अंदर मुंह लटकाता रे, अपन के पास आइडिया का छाड़ है, ये देखो अखबार में झाड़ है। अरे ये क्या है? अरे ये देखो दिखता नहीं क्या, ये अपन को पैसा दिलाएगा? अरे ये कहाँ से पैसा दिलाएगा? अरे तुम्हारा मदर से दिलाएगा। मदर से कैसे कैसे? अरे देखो एक तुम्हारा बाप होता ना जो साधु बन गया, उसका नाम क्या होता रे? श्री सोहला। ये देखो उसका फोटो। अरे मगर इतना सड़ा और सूखा मुर्दार साधु हमारा बाप कैसे हो सकता है? अब थोड़ी देर के लिए इसको अपना बाप बनाने में तेरा बाप का क्या जाएगा? चलो बना लिया फिर। अरे तुम्हारा बदल आता है, तो तुम लोग रोना चालू करो। बापू बापू, अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? लो पेपर के अंदर अपना फादर का फोटो देख के बहुत इमोशनल हो गया, रोना चालू कर दिया। अरे हाँ, किस गहरे गहरे की तस्वीर दिखाकर मेरे बच्चों को रुला दिया था? ये तुम्हारा बाप है? सिर्फ हमेशा सोचते रहना और सोच सोच कर अंदर ही अंदर जलते रहना, बस यही आपका मर्ज है, और इस मर्ज का इलाज सिर्फ आप ही कर सकते हैं, दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। डॉक्टर कोई ऐसी दवा दे दो जिससे मौत आ जाए। फिर वही बात, सच कहता हूं डॉक्टर, सिर्फ मौत की तमन्ना बाकी रह गई है, मेरी जिंदगी तो जहरीले कांटों का बिस्तर बन गई है, जिस पर मैं अकेला पड़ा तड़प रहा हूं। डॉक्टर जब से वो गया है ना, मेरा पोता, अरे मेरा खून, जब से वो गया है ना, तन्हाई के कांटों ने मेरी जिंदगी, मेरी रूह, मेरी आत्मा, इन सब को जख्मों से भर दिया है डॉक्टर। डैडी आप सचमुच चेतन के लिए बेचैन हैं, तो मैं ले आऊं उसे? वाह वाह बेटे वाह, अंदर से पूछते हो कि उसे सचमुच आंखें चाहिए? अरे बेटे चेतन तो मेरी आंखों का नूर है, अरे इस बूढ़े दिल की धड़कन है वो, मैं तुझे भीख मांगता हूँ बेटे, तुम मेरे पोते को वापस ले आओ, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। कैसी बात कर रहे हैं आप, आपकी खुशी के लिए मैं चेतन को जरूर ले आऊंगा। बेटे सरकार, ज्योति अपने बेटे के साथ अस्पताल से वापस आ चुकी है, सिर्फ आपके हुक्म का इंतजार है। नोट उठाने से पहले एक बात अपने जहन के कागज पर अच्छी तरह नोट कर लो कि जोरी इस वक्त बिल्कुल जख्मी शेरनी की तरह है, और शेरनी जब जख्मी हो जाती है तो
तो मौत से भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम ज्योति की जिंदगी की जोत बुझाने जाओ और वो तुम्हें बुझा दे। ऐसे कैसे सरकार? और अगर ऐसा न कर सके तो अपनी गर्दन काट कर आपके कदमों में डाल दूंगा, ये मेरा वादा है सरकार। तो वादा याद रहे। ज्यादा चोट तो नहीं लगी? मैं बिल्कुल ठीक हूं। आइए, इतने दिनों के बाद इस अंधेरे घर में लाखों सूरज का उजाला दिखाई दे रहा है। तरस गई थी ये आंखें अपने भगवान का रास्ता देखते देखते, और आज इन आंखों की प्यास बुझ गई। घर में सब कैसे हैं? ठीक है ना बाबूजी? कैसे हैं? बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, चेतन को याद करते रहते हैं। मैं चेतन को लेने आया हूँ। लेकिन अब इस दूसरे को देखकर मैंने चेतन को ले जाने का इरादा बदल दिया है। लेकिन ये भी आप ही की औलाद है। चलो थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूं, लेकिन हमारा समाज कभी नहीं मानेगा, और समाज की मान्यता हमारे इज्जतदार घराने के लिए बहुत जरूरी है। तुम अमीर घराने वाले, प्रेम के बंधन से ज्यादा दिखावा और खोखली शान के साथ जीना ज्यादा पसंद करते हैं, और हर बात पर घराने की इज्जत का बहाना बनाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि मेरी निर्दोष आत्मा और तुम्हारे शक के बीच ये जंग है, और ये जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक तुम्हारा शक टूटकर टुकड़े टुकड़े ना हो जाए, और तब तक हमारी गरीब दुनिया में भूलकर भी कदम ना रखना। चले जाओ यहां से, कुछ दिन और मैं तड़प लू। चले जाओ। जिसे तुम शक कह रही हो वो एक सच्चाई है। काश तुम अपने किए पर शर्मिंदा होती। चेतन आ गया। अरे मेरा चेतन आ गया, मेरा कलेजा आ गया, अरे मेरा दिल आ गया। चेतन, विजय, चेतन नहीं आया। सॉरी डैडी, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। मैं जानता हूं बेटे, ज्योति बहुत जिद्दी लड़की है, मैं जानता हूं। लेकिन ये क्या हाल बना रखा है तुमने, और ये घाव कैसा? गया तो था अपने बेटे चेतन को लाने, लेकिन वहां से दूसरा घाव खाकर चला आया।
विजय भैया, तुम यहाँ क्यों आए हो? मजबूर होकर आया विजय भैया, कल सुबह डिफेंस का टेंडर भरना है, उसके लिए ये चेक साइन करवाना था। चेक साइन करवाने के लिए तुम्हें यही जगह मिली थी? दुनिया में यही एक जगह है जहाँ मुझे थोड़ा सुकून मिलता है, और तुम यहाँ भी बिजनेस, टेंडर और सिग्नेचर का चक्कर लेकर आ गए। आई एम सॉरी भैया, काम बहुत जरूरी था, वरना मैं यहाँ पर आने की हिम्मत ही ना करता। प्लीज भैया, एक मिनट की तो बात है, प्लीज। ये क्या, ब्लैंक चेक? तुम चाहते हो कि मैं ब्लैंक चेक पर साइन करूं? हाँ विजय भैया, इसमें कितनी रकम भरनी है ये तो वही ऑफिसर बताएगा जिसने टेंडर पास करना है। जो रकम बताएगा वो रकम भर के टेंडर के साथ जमा करा दूंगा। और फिर विजय भैया, आप तो जानते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कोई छोटा मोटा नहीं है, 1.25 करोड़ का। बस बस बंद करो ये बकवास, ये लो चले जाओ यहाँ से, आउट। शुक्रिया, जाता हूँ। गेट लॉस्ट, और आइंदा यहाँ फिर कभी मत आना। जी कभी नहीं आऊंगा, बल्कि आपको नजर ही नहीं आऊंगा। अरे इस तरह खाना छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं है, बैठो, थोड़ा सा तो है, जल्दी से खा लो। नहीं मुझे बस। मुझे भी बस। दोनों रूठ रहे हो? अच्छा, ये तुम्हारे दादाजी के नाम का निवाला है, अगर इनकार करोगे तो दादाजी को बहुत गुस्सा आ जाएगा। किसको चाहिए ये? मेरे दादाजी का निवाला मुझे चाहिए। शाबाश। अच्छा, ये तुम्हारे पिताजी का, किसको चाहिए? मेरे पिताजी का नाम का निवाला मुझे चाहिए। अच्छा अच्छा, लो खाओ। अच्छा, इस तरह जल्दी जल्दी खा लेना चाहिए, जो पहले खाएगा वही राजा बेटा बनेगा। अरे डरो मैं भी आई। भादो काका, लो ये कांजे पी लो, जल्दी ठीक हो जाओगी। बेटी अब क्या ठीक होऊंगा, टिमटिमाता दिया हूँ, किसी वक्त भी बुझ सकता हूँ। नहीं माधो काका, ऐसे मत कहो, तुम 1000 साल जियोगे, अगर तुम भी न रहोगे तो मैं और मेरे बच्चों का क्या होगा? बेटे हिम्मत मत हारो, और देखो संकोच मत करो, बाप की जायदाद में बच्चों का जो हिस्सा होता है उसे पाने के लिए तुम्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना ही चाहिए। माधो काका, ये तुम क्या कह रहे हो? जीने के लिए पति के खिलाफ अदालत का सहारा लेने के लिए कह रहे हो? नहीं, ये कभी नहीं होगा। ऐसा करने पर वो भगवान जिसने मुझे जीवन दिया है वो कभी माफ नहीं करेगा। बच्चे भी भगवान का ही रूप होते हैं बेटी। मेरी आत्मा इसे कभी गवारा नहीं करेगी। नहीं बेटी, तुम्हें करना ही होगा। नहीं काका, कभी नहीं। बेटी। भैया रोज माँ हमारे साथ खाना खाती है, आज क्यों नहीं खाई? घर में खाना नहीं है ना, इसीलिए हमारी भूख मिटाने के लिए माँ खुद भूखी रही। अगर कल से माँ भूखी रही तो हम भी भूखे रहेंगे। हाँ भैया। तुम लोग पाप कर रहे हो, पाप कर रहे हो, पाप कर रहे हो। अरे कौन सा पाप मेरे बाप, इस बहाने 4 पैसे हमारे बन जाएंगे। कौन सा, हम तुम्हारी इज्जत लूटने के लिए यहाँ पर लाए? बाप देखो, क्या चीज उठा कर लाए हो? ये चीज नहीं है, ये बहुत पहुँचे हुए हैं। कहाँ तक पहुँचे हुए हैं? पहुँचे हुए से मतलब है कि वो आपके मन के कटोरे में झांक कर बता सकते हैं आपके मन की बात। वो ये बता सकते हैं कि आपके पति आपसे डरकर कांच मतलब हमारे पिताजी। सच महाराज, क्या आप बता सकते हैं कि मेरे पति जिनके लिए मैं मरी जा रही हूँ वो कहाँ है? अरे अवश्य बता सकते हैं, मगर मैं ऐसे थोड़े फ्री फंड में 500 रुपए दे रहा हूँ। क्या कर रही हो माँ, ये घोर पाप है, ये निरंकारी बाबा है, ये माया मोह को छूते नहीं सिर्फ चूमते। क्षमा कीजिए महाराज, अब आप बता सकते हैं वो कहाँ है? वो जहाँ आखिरी बार छुपे थे वहाँ से अभी अभी आधा घंटा पहले भाग के। सत्यानाश हो उनका महाराज, ये हम दोनों के बीच चूहे बिल्ली की दौड़ कब तक चलती रहेगी? माँ तुम निराश मत हो, ये बड़े चमत्कारी बाबा हैं, ये तुम्हें तुम्हारे पति से अवश्य मिला देंगे, है ना बाबा? मुझे भागन पर दया करो। पिताजी कहाँ चले गए थे? कहाँ चले गए थे आप? बाप के होते हुए भी हम लोगों को यतीम बनाकर इस संसार से कहाँ चले गए थे आप? पिताजी, ये तेरा बाप है क्या? और क्या माँ, तुम अपने पति को भी नहीं पहचानती हो? पैरों से तो पहचान लिया था। वाह 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 वाह, धन्य है, क्या पतिव्रता स्त्री है, जो अपने पति को शकल नहीं उसके पांव से पहचानती है। इंदरिया ने चिंगड़िया ने चिंगल लिख कर ओहो महाना, ओहो माने इंदरिया ने ओहो महाना। धोखेबाज, बेईमान, मक्कार, चारपोटी, तुमने भाग भाग कर मेरा सत्यानाश कर दिया। चलो मेरे साथ, कहाँ? मेरे कमरे में। चलो ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। अरे मैं हवन कुंड में। दीदी, आज तुम मुझे ये कहने पर मजबूर कर रही हो कि तुम अपनी खुददारी की वजह से अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही हो।
कल जब ये बच्चे बड़े होकर तुमसे ये सवाल पूछें कि तुमने इनकी खानदानी जायदाद में से इनका हक मांगने से इनकार क्यों किया या इनकी जिंदगी क्यों तबाह की, फिर तुम क्या जवाब दोगी? इसलिए दीदी मेरी बात मानो और ये कोर्ट के कागजात पर दस्तखत कर दो प्लीज। राजा ठीक कहते हैं, बच्चों के भविष्य के लिए तुम्हें सेठ जी से उनका हक मांगना ही होगा। बेटी कर दो दस्तखत। तुम सब क्यों मेरे पीछे पड़े हो? भगवान के लिए मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मैं ये नहीं चाहती कल दुनिया वाले मुझे लालची कहकर पुकारें। दीदी दुनिया के कहने से खोखले लोग डरा करते हैं, तुम जैसी सच्चाई और हिम्मत वाली औरत नहीं। भगवान के लिए प्लीज दस्तखत कर दो। बेटी कर दो, तुम्हें कर दो ना दीदी प्लीज। तुम्हें मेरी सौगंध बेटी। दीदी प्लीज कर दो प्लीज, मान जाओ बेटी, बहुत जरूरी है ये पेपर्स प्लीज। यहाँ पर क्या ज्योति ने अपने बच्चों के हक के लिए अदालत में मुकदमा दायर कर दिया? हाँ डैडी, और मुझे लगता है कि अदालत फैसला भी उन्हीं के हक में करेगी। हमारा सारा प्लान धरे का धरा रह जाएगा और हमें भिखारियों की तरह धक्के मार के यहाँ से निकाल दिया जाएगा। नहीं, भगवान मेरी बेईमानी की नजरों को ईमानदारी की बुरी नजरों से बचाए। सरकारी अदालत के फैसले से पहले एक और अदालत अपना फैसला सुनाएगी। कौन सी अदालत? हमारी अदालत। माँ, माँ, तुम हमेशा रोती रहती हो, क्या बात है? कुछ नहीं बेटे, माँ आज तुम लोगों को देखकर मुझे तुम्हारे पिताजी की याद आ गई। माँ मैंने पिताजी को कभी नहीं देखा, एक बार दिखाओ ना। माँ मैं दादाजी को देखना चाहता हूँ, ले चलो ना माँ। नहीं बेटे, ये तुम्हारी तकदीर में नहीं है। ऐसा मत कहो बेटी, इन मासूम बच्चों की आशा को ठेस मत पहुँचाओ। बादो काका, मैं कर भी क्या सकती। हिम्मत नहीं हारते बेटी, इन बच्चों को मैं ले जाऊंगा और इनके पिताजी और दादाजी से मिलवा के लाऊंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी है। आओ वीर, ये है हमारे दादाजी का घर। दादाजी, दादाजी, दादाजी। हाँ दादाजी, मैं आपको चेतन। चेतन, मेरे लाल, अपने बदनसीब दादा के सीने से लग जा मेरे लाल। अरे मेरे बच्चे, अरे मेरी जिंदगी, अरे मेरे जीवन, अरे मेरे टुकड़े, तू अपने बदनसीब दादू को छोड़कर कहाँ चला गया था रे? अरे कहाँ चला गया था रे? अरे तू इतना बड़ा हो गया रे, इतना बड़ा हो गया। ना दादा ना, आप रोइए मत, अब मैं आ गया हूँ। लेकिन बेटे तू यहाँ अकेले कैसे आया? अकेले नहीं दादाजी, हम माधो काका के साथ आए हैं और आपके लिए एक सरप्राइज लाए हैं। मेरे लिए सरप्राइज लाया? ऐसा सरप्राइज कि आप देख के एकदम हिल जाएंगे। हाँ? अरे इस वक्त अगर इन सीढ़ियों पर चढ़ती हुई मुझे मेरी बहू नजर आ जाए तो इससे बढ़कर मेरे लिए क्या सरप्राइज होगी? ये देखिए दादाजी। ये कौन है बेटे? पहचानिए। नहीं पहचाना मैंने। कमाल है दादाजी, ये वीर है। वीर? कौन वीर? मेरा छोटा भाई, और कौन? तुम्हारा छोटा भाई? हाँ, मेरा छोटा सगा भाई, मेरी माँ का सगा बेटा और आपका सगा पोता। नहीं नहीं, ये मेरा पोता नहीं हो सकता, ये पाप के रंग से बनी बदनुमा तस्वीर है, इसे ले जाओ यहाँ से, ले जाओ यहाँ से इसे। लेकिन क्यों दादाजी, अगर मैं आपका पोता हूँ तो क्या ये आपका? नहीं, ये मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है ये मेरा। ले जाओ इसे यहाँ से, ले जाओ, इसके मनहूस कदमों से इस घर की पवित्रता को बर्बाद मत करो, जाओ यहाँ से, चले जाओ। भैया तुम तो कहते थे हमारे दादाजी बहुत ही अच्छे हैं, हमें पप्पी करेंगे, प्यार करेंगे, खिलौने देंगे, ये तो नफरत कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। पता नहीं वीर, ये वो दादाजी नहीं है, हमारे दादाजी तो बहुत ही मीठे थे, ये इनकी शक्ल का कोई और दूसरा कड़वा आदमी है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ। माधु काका। बच्चों, चलो। माधु काका। भैया बहुत देर हो गई पिताजी, अब तक बाहर नहीं आए। बेटे तुम्हारे पिताजी घर में नहीं हैं। किधर गए हैं, कब आएंगे? जहाँ कहीं भी गए होंगे बेटे, रात को तो घर ही आएंगे, तब तक इंतजार करते हैं। सच्ची? और नहीं तो क्या बेटे, मैं झूठ बोल रहा हूँ? आओ चलो सो जाओ, सुबह मिलवा दूंगा।
पिताजी कहीं जा रहे हैं। पिताजी? हाँ यही है हमारे पिताजी। चल चलते, माधव काका को सोने दे। अरे चेतन, वीर चेतन, वीर दिखते हैं। भैया पापा बहुत अच्छे दिखते हैं। ए, ये क्या हो रहा है? तुम लोग मेरे घर में चोरों की तरह क्यों झांक रहे हो? नहीं नहीं, हम आंटी, हम चोर नहीं हैं। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? हम अपने पापा को देखने आए थे। अपने पापा को मेरे घर में? वो तुम्हारे पापा हैं? हाँ आंटी, वो हमारे पापा है, लेकिन वो हमारे साथ नहीं रहते। अच्छा, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? ज्योति। चलो अंदर चलो। नहीं आंटी, हम अंदर नहीं जाएंगे। क्यों? तुम्हें अपने पापा से नहीं मिलना? मगर वो हमें जानते नहीं कि हम उनके बेटे हैं, और वैसे भी हम उन्हें कैसे मिल सकते हैं? क्यों क्यों नहीं मिल सकते? हमारे कपड़े गंदे हैं, हम गरीब हैं। अगर वो हमें इस हालत में देखेंगे उन्हें बहुत दुख पहुँचेगा। हम उन्हें दुख पहुँचाने नहीं आए हैं, हम उन्हें सिर्फ देखने आए हैं। अच्छा ठीक है, मैं उनसे ये नहीं बोलूंगी कि तुम दोनों उनके बेटे हो। मैं उनसे ये कहूंगी कि ये दोनों मेरे मेहमान हैं। आओ बच्चों, खाना खा लो। थैंक यू आंटी, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे शर्माओ मत, आओ चलो। शर्माने की बात नहीं आंटी, हम बाहर कभी कुछ नहीं खाते। क्यों? हम माँ के बिना कभी कुछ खाते ही नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि वो भी हमारे बगैर अकेले कभी कुछ नहीं खाती। देखो बेटे, कल जब मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़ने चलूंगी ना, तो उनके लिए बहुत सारे खाने लेके चलूंगी। चलो अभी थोड़ा सा खा लो। आओ बेटे खाओ ना। नहीं आंटी, हमारे गले से नहीं उतरेगा। आंटी अगर आपके ज्यादा छोटो में पापा की एक पप्पी ले लूं, सिर्फ एक बार। नहीं नहीं, वो उठ जाएंगे। मेरा दिल करता है भैया। नहीं डरो नहीं, वो नहीं उठेंगे, और अगर उठ भी गए तो मैं उन्हें समझा लूंगी। चलो आओ। बेटी, माधो काका, बच्चे वहाँ है ना? उन लोगों ने बच्चों को पना दे दी ना, और मेरे छोटे वीर को भी स्वीकार कर लिया ना। मुझे पहले मालूम था माधो काका, मुझे पहले ही मालूम था उन लोग बच्चों को स्वीकार कर लेंगे। क्या माधो काका, दुखी हो रहे हो? क्योंकि तुमने उनको पाला है, कुछ दिनों तक तुमको जरूर दुख होगा, लेकिन उनकी देखरेख में बच्चों को बड़ा सुख मिलेगा। नहीं बेटी, सेठ जी ने उन्हें दूधकार दिया, और तुम्हारे दोनों बेटे लाभ पता हो गए। तुम? मेरे बेटे कहाँ है? मैं आपसे अपने बेटे वापस लेने आई हूँ। उनके खो जाने के जिम्मेदार आप हैं। उनके खो जाने का मैं जिम्मेदार कैसे हो सकता हूँ? वो गांव छोड़कर शहर आपसे मिलने के लिए आए थे, और ये उम्मीद लेकर आए थे कि आप उन्हें सीने से लगा लेंगे, प्यार करेंगे। मगर आपने प्यार के बदले उन्हें नफरत दी, घर से निकाल दिया। छोटे मासूम बच्चों को एक गिलास पानी पिलाए बगैर घर से निकाल दिया। सेठ मदनलाल साहब, अगर घर में पड़ोसी का कुत्ता भी आ जाता है तो उसे भी रोटी का एक टुकड़ा डाल दिया जाता है।
मगर आपने इंसान के बच्चों के साथ वर्षाना सलूक किया। मेरे बच्चे बड़े लोगों के इस शहर में खो गए और इसके जिम्मेदार आप हैं, सिर्फ आप। मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए, मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए। तुम्हारे बेटे अगर खो गए हैं तो मुझे उसका बहुत अफसोस है, लेकिन इसके लिए मैं क्या करूं? पुलिस स्टेशन में जाओ, कंप्लेंट लिखवाओ। मुझे इल्जाम देने से तुम्हें तुम्हारे बच्चे वापस नहीं मिल जाएंगे। सेठ साहब, आपने बहुत जुल्म कर लिया है और मैंने बहुत सह लिया है। आज मैं आपके जुल्मों से कुचले हुए इस दिल से बदवा देती हूँ, शराब देती हूँ। जिस तरह आज मैं आपके हाथों अपनी औलाद के लिए तड़प रही हूँ, एक दिन आप भी तड़पेंगे, रो रो कर भीख मांगेंगे और आपको ऊपर वाले की तरफ से भीख में जमाने की ठोकरें मिलेंगी। रहम नहीं मिलेगा, रहम कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। मैं क्या करता, मैं क्या करता रे, मैं क्या करता रे। नहीं बाबूजी, आपने जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की है। ज्योति दीदी तो एक देवी है, उन्होंने कोई पाप नहीं किया। लेकिन जो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा, उसे मैं कैसे छुटा सकता हूँ? आपने जो देखा वो सही था, लेकिन आपने जो समझा वो गलत था, क्योंकि जो कुछ हुआ था वो आपको नहीं बताया गया था, और जो कुछ नहीं हुआ वही आपको बताया गया था। तस्वीर का एक गलत रूप आपके सामने पेश किया गया। छोड़ दो मुझे माँ, आज मुझे मत रोको। आज तक तुमने मुझे बहुत डरा लिया, बार बार कसमें देकर मेरी जबान रोकी, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगी। कैसी कसमें, कैसा डर? मुझे डराया था कि अगर मैंने अपनी जबान खोली तो ये खुदकुशी कर लेंगी। अरे कर लो माँ, तुम जैसी औरतों को तो खुदकुशी करनी ही चाहिए। बाबूजी, आपने यही देखा था ना कि दो साए एक दूसरे से लिपटे हुए थे, वो साए ज्योति दीदी और राजा के नहीं, बल्कि मेरे और राजा के थे। क्या? हाँ बाबूजी, राजा और मैं एक दूसरे को कॉलेज के जमाने से चाहते थे और अब भी चाहते हैं, मगर एक दिन ज्योति दीदी ने उसे चाटा मारा और कहा कि अगर हमारी घर की बेटी का हाथ चाहिए तो कुछ बनकर दिखाओ। इस बात ने राजा पर असर डाला, उसने दिन रात मेहनत की और वकालत पास किया। उस दिन वो दीदी के पैर छूकर उनका एहसान मानने आया था और मुझसे शादी करने की आज्ञा लेने आया था। ये बात सुनकर दीदी बहुत खुश हुई और वो मुंह मीठा करने के लिए मिठाई लेने चली गई। जैसे ही वो कमरे से बाहर गई, राजा ने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। वो साए मेरे और राजा के थे, जिसे माँ ने देखा और आपको देखा है, और इल्जाम दीदी के सर पर थोप कर उसे बदनाम कर दिया। बदसात, दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से, कहता हूँ दूर हो जा मेरी आंखों से, चली जा यहाँ से। हे भगवान, अरे मैंने क्या किया भगवान, इतना बड़ा पाप किया मैंने, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, आंखें होते मैं अंधा हो गया था भगवान। मैंने कैसे समझ लिया कि मेरी बहू, अरे मेरी बेटी, जो अपने प्यार से सारी दुनिया को अपने कदमों में झुका सकती है, वो किसी खैर मर्द की बाह में गिरे, मैंने कैसे सोच लिया भगवान। अरे मैं कहता हूँ मैं कितना बड़ा पापी हूँ, बहू को घर से निकाल दिया, बच्चों को घर से निकाल दिया, मेरे पोते, अरे मेरे मेरे खानदान के चिरागों को मैंने निकाल दिया रे। मैं टेलीविजन के जरिए अभी ऐलान करवाता हूँ, जो भी मेरे बच्चे लौटाएगा मैं उसे मुंह की रकम दूंगा। तुम्हारी माँ तुम दोनों के लिए परेशान हो रही होगी, मैं अभी तुम्हें छोड़ के आती हूँ, लेकिन तुम दोनों से जुदा होने का मन नहीं करो। आंटी तुम कितनी अच्छी हो। कौन हो तुम लोग, क्यों आए हो यहाँ, कौन हो तुम लोग? आंटी, 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 पकड़ इसे, छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं, चलो, नहीं, छोड़ दो, नहीं, ये ले। ज्योति बेगुनाह है, वो मासूम है, पवित्र है, और उस देवी पर हमने इतने जुल्म ढाए बेटे, उसे जाकर ले आ बेटे, उसे उसे पकड़ कर ले आ, उसे हाथ जोड़ कर किसी तरह भी हो उसे ले आ बेटा, जा। शारदा, शारदा, ये क्यों हुआ? डैडी जल्दी से एम्बुलेंस बुलाइए। कोई फायदा नहीं, मेरा वक्त पूरा हो गया है। विजय जल्दी से मेरी बात सुनो, महेश चेतलो वीर को जबरदस्ती मेरे घर से उठा के ले गया है। महेश? हाँ विजय, तुम उन दोनों मासूमों को बचा लो, वो दोनों
तुम्हारा खून है, तुम्हारे बेटे हैं विजय, तुम उन्हें जल्दी से बचा लो, उन्हें कह लो किसी भी ताजा मत कहना। विजय बच्चों को बचा लो, बच्चों को बचा लो विजय, बहुत प्यार देना शारदा, शारदा। हेलो, कौन विजय को दो? तुम कौन बोल रहे हो? अगर दोबारा पूछा कि मैं कौन हूँ तो तुम्हारे नन्हे मुन्ने पोते जो इस वक्त मेरे कब्जे में हैं, उनकी मखमली गर्दन मैं एक ही झटके में तोड़ दूंगा। नहीं, नहीं महेश, नहीं। हाँ, ठहरो विजय। हेलो, मैं विजय बोल रहा हूँ। हाँ विजय, शायद तुम्हें पता चले गया होगा कि वीर तुम्हारी असली औलाद है। अगर तुम अपने दोनों बेटों को सही सलामत चाहते हो तो 50 लाख की छोटी सी रकम मेरी झोली में डाल दो, नहीं तो मैं तुम्हारे नन्हे मुन्ने प्यारे से चूजों को हमेशा हमेशा के लिए मौत की झोली में डाल दूंगा। समझे? क्या समझे? मैं रुपए देने के तैयार हूँ। शाबाश, इसे कहते सच्चा प्यार और मोहब्बत वाले बाप का दिल। पैसे पहुंचाने का होंगे। जल्दी जा बेटे। कीड़ो, मैंने यहाँ तुमको कैदी बना के रखा हुआ है, कोई डिस्को करने के नहीं रखा है कि जुम जुम के गाना गा रहे हो तुम लोग? हम अपनी माँ को आवाज दे रहे हैं। यहाँ ना तुम्हारी माँ आ सकती है ना तुम्हारा बाप आ सकता है, सिर्फ यमराज आ सकता है और वो भी मेरी इजाजत लेकर। मैं आ गई हूँ। माँ, चेतन माँ, माँ ना बेटे, रोते नहीं, तुमने उस माँ की कोख से जन्म लिया है जिसने सच्चाई की जंग लड़ते हुए अपनी जिंदगी चला डाली। वाह वाह वाह, तुमने तो मर्दों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। मौत के मुंह में खड़ी होकर बहादुरी की बातें करने वाली औरत हमने पहली बार देखी है। तूने अभी दुनिया में देखा ही क्या है बेईमान बाप की हरामखोर औलाद? चुप चुप। इस धरती ने बहुत सी बहादुर औरतों को जन्म दिया है। झांसी की रानी का नाम सुना है? चांद बीबी का नाम सुना है? जिनकी बहादुरी के आगे फौलाद भी मोम की तरह पिघल जाता था। हम भी हुस्न के आगे मोम की तरह पिघल जाते हैं। हरामजादी, थोड़ी देर और इंतजार कर, मुझे तेरे ससुर से मांगी हुई तेरे बच्चों की सर की कीमत मिल जाए, फिर मैं अपने इन खून के कतरों की कीमत तेरे हुस्न की तिजोरी से लूटूंगा। डैडी, मिल गया पूरा रुपया। मैं गिनता हूँ, ला ला ला। गिनो चाचा। देखो बदन पे मिट्टी का तेल डाल दो और इस मकान को भी आग लगा दो ताकि मकान के साथ साथ इस हरामजादे के दोनों चूजे जलकर कबाब बन जाएं और हमारे खिलाफ इस दुनिया में कोई सबूत ना बचे। जल्दी पिताजी। मेरी हड्डियों पे पलने वालों कुत्तों, मैं अभी जिंदा हूं। बड़ा दुख हुआ सुनकर कि आप जिंदा हैं। जिंदा है पर होगा नहीं। भगवान मेरी नजर को बुरी नजर से बचाए, ये मेरे हवाले कर दीजिए वरना इसकी गोली आपकी हड्डियों में उतर जाएगी। लाइए, अब ये संभालिए। होता है, मजबूरी है, अभी ये फेंक दीजिए वरना
मेरे प्यारे प्यारे चाचा जी, आप बड़े शुभ अवसर पर आए। कमीना, बंद हो इन सबको। भगवान मेरी बुरी नजर को अच्छी नजर से बचाए। आज मेरा ये बंधा हुआ खानदान कितना अच्छा लग रहा है। ज्यादा फुदकने की कोशिश मत करो, वरना इसे गोली चलेगी, तुम नीचे गिर जाओगे, तुम्हारी सांस ऊपर पहुंच जाएगी। तमाशे में हिस्सा लेने की कोशिश मत करो, सिर्फ तमाशा देखो। उधर रामजादे, मेरा दामन बहुत पवित्र है जलील कुत्ते। आज तक इसे ना किसी ने छूने की कोशिश की है और ना कोई इसे छू सकता है। बहू, क्या कर रही हो? मैं ठीक कर रही हूँ बाबूजी। नहीं ज्योति, आप कमीने! ज्योति, 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 आंखें खोलो ज्योति, ज्योति, मुझे, मुझे माफ कर दो ज्योति, मैंने, मैंने तुम्हें गलत समझा। महेश, बचा गई है। अरे बचाओ, आगे नहीं बचा इतना। अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे किसान बचा, ये चल जाएगा। अरे बचाओ, महेश, 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 माफ। देख लिया तुमने, पाप की जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं होती। आज तुम्हारे पापों के बोझ तले तुम्हारा अपना ही बेटा कुचल कर मर गया। कोई नहीं आएगा यहां से। एक पकड़ो इन सबको, जाने मत दो। मार दो, जोर से मार दो, मार दो। अरे बाप रे, कैसे बांध रखा है जालिमों ने। राजा, गिरफ्तार कर लो इसे और इस लाश को अस्पताल ले चलो। चेतन, मेरे बच्चे। बेटी, बेटी, आज तूने साबित कर दिया कि दुनिया भर में भारतीय नारी का स्थान इतना ऊंचा क्यों। तूने जिस जिस हिम्मत और मेहनत से जिंदगी की जंग लड़ी, वो किसी आकाश की देवी के बस की बात नहीं थी। मुझे तुम पर फक्र है, मुझे तुम पर फक्र है बेटी। जीती रहो। मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो बेटे। अरे विजय, आओ ना बेटे, मेरे बेटे। भाई साहब, ज्योति, मेरे अपराधों को क्षमा कर दो, मुझे माफ करो। अरे ठीक है, ठीक है, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित हम कर देंगे।